चलो स्टूडेंट्स, सो आज कहाँ चलेंगे? आज अपन देखेंगे ईटीसी। लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा था ईटीसी पाथवे, और ईटीसी पाथवे में हमने देखा था कि व्हाट एग्जैक्टली ईटीसी पाथवे इज यूजफुल फॉर। इट इज यूजफुल फॉर कन्वर्जन, करेक्ट। एनएडीएच प्लस एच प्लस को कन्वर्ट करेगा 3 एटीपी में, एफएडीएच टू को कन्वर्ट करेगा 2 एटीपी में। याद आ रहा है सबको? सबको याद आ रहा है? और हमने क्या किया था, हमने एनर्जेटिक्स लिख लिया था, उसका पूरा का पूरा कॉलम बना लिया था। सो आज कौन सी बात अपन करने वाले हैं स्टूडेंट्स, आज अपन क्या पढ़ाई करने वाले हैं? तो आज हम पढ़ाई करेंगे कि ये जो पूरा पाथवे है ईटीसी पाथवे, ये होता कैसे है, ठीक है। ये ईटीसी पाथवे होता कैसे है, होता कहाँ पे है, ये भी बहुत जरूरी। होता कैसे है, होता कहाँ पे, ये दोनों बातें जरूरी है। सो ये मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट। आई थिंक आई हैव सेंट यू द इमेज ऑलरेडी। लास्ट टाइम यस इमेज भेज दिया था, है ना? माई वॉइस इज क्लियर टू एवरी वन? यस यस ठीक है। सो जस्ट अ सेकेंड, प्लीज ओपन द इमेज विच आई हैड सेंट यू स्टूडेंट्स। जो मैंने आपको भेजा था वो भी इमेज ओपन करके बैठ जाओ, और मैं ओपन द इमेज ओवर हियर एंड देन वी शैल बिगिन, ठीक है। सो सबसे पहली बात तो मुझे पता है ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में। डू यू ऑल अग्री विथ मी? ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में, करेक्ट स्टूडेंट्स? यस सर। देन क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है? क्रेब्स साइकिल, साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल इज वेयर? मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया वेरी गुड। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। तो अब जो मैं ईटीसी पाथवे पढ़ाने वाला हूँ, ईटीसी पाथवे ये कहाँ होता है? ये होता है इनर मेम्ब्रेन पे। कहाँ होता है? इनर मेम्ब्रेन। समझ में आया बात? सो मैं स्क्रीन पे इमेज ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड देन वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी इजी। ये रहा, देखो। अब पहले यू ट्राई टू लोकेट योरसेल्फ वेरी नाइसली कि हम कहाँ घूम रहे हैं, पहले वो समझने की कोशिश करेंगे। सो माइटोकॉन्ड्रिया में बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया के ये है, आपको कौन सा मेम्ब्रेन लग रहा है, ये आउटर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन? आउटर मेम्ब्रेन वेरी गुड, बिकॉज आई हैव ड्रॉन इट इन कंटिन्यूअस पैटर्न, करेक्ट। कंटिन्यूअस पैटर्न में हमने बनाया, इसलिए आउटर मेम्ब्रेन, डेफिनेटली आउटर मेम्ब्रेन है ये। देन ये बताओ, अब समझ में आ रहा है ये कौन सा मेम्ब्रेन जा रहा है? इनर मेम्ब्रेन वेरी गुड। ये देखो ऐसा कुछ माइटोकॉन्ड्रिया है जो मैंने आपको बनाने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ। तो मैंने क्या किया, मैंने मुझे खाली लेफ्ट हैंड साइड पार्ट देखना है माइटोकॉन्ड्रिया का, बाकी चीजों में मुझे इंटरेस्ट नहीं, खाली लेफ्ट हैंड साइड पार्ट देखना है। अकॉर्डिंग टू यू आई एम श्योर दिस इज मैट्रिक्स, करेक्ट। ये मैट्रिक्स है, राइट स्टूडेंट्स? दिस इज मैट्रिक्स पार्ट। ये देखो ऐसे ऐसे यस सर। ऐसे, ये अपन ने पढ़ाई किया है ना? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इफ यू रिमेम्बर दीज आर F1 पार्टिकल्स, याद आ रहा है? F1 पार्टिकल को, यस सर करेक्ट। सो मैं अभी F1 पार्टिकल को अभी के लिए हटा देता हूँ, और मैं ये पूरा पार्ट कट कर देता हूँ, मैं ये पार्ट भी निकाल देता हूँ। सो आपको समझ में आया अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा सेक्शन लिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा हमने सेक्शन लिया है? लेफ्ट हैंड साइड का एक पार्ट अपन देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। नाउ यू यू ट्राई टू डिफाइन दी रीजन, ठीक है। सो इस रीजन का मैं नाम क्या दूंगा? मैट्रिक्स दूंगा, करेक्ट है? मैट्रिक्स शाबाश मैट्रिक्स शाबाश। देन दिस इज नोन एज इनर मेम्ब्रेन, करेक्ट। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, करेक्ट स्टूडेंट्स? देन दिस स्पेस ओवर हियर, ये कौन सा स्पेस है बताओ मुझे याद करके, ये कौन सा? इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, है ना? तो आज जो अपन ईटीसी पाथवे सीखने वाले हैं, ये पूरा पाथवे इसी तीन इन्हीं तीन रीजंस पे बेस्ड होगा। अगर आपको ये तीन रीजंस ठीक से नहीं समझ में आए, तो आपको आज का टॉपिक नहीं समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के तीन वो सेक्शन येलो क्या क्या? पार्ट क्या है वापस बोलो ना। हाँ वापस बोलता हूँ मैं, येलो पार्ट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, याद आ रहा है? इफ दिस ब्लैक वन इज आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये देख, ये देख प्रिया, रुक जा, मैं वापस से बनाता हूँ, तू पूरा समझ ले। ये देख, ये रहा मेरा माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, अंडरस्टूड प्रिया? समझ में आया? देन ये देख, ये कौन सा मेम्ब्रेन में ड्रॉ करूँ बता मुझे। इनर मेम्ब्रेन शाबाश, ये है इनर मेम्ब्रेन मेरा, करेक्ट है। दिस इज माय इनर मेम्ब्रेन सपोज, चलो ये है मेरा इनर मेम्ब्रेन,
आई एम सॉरी, ये है मेरा इनर मेम्ब्रेन, राइट। अब इनर मेम्ब्रेन पे मुझे पता है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टे, राइट। इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। हाँ, तो ये क्रिस्टे पे ऊपर होता है F1 पार्टिकल, याद आ रहा है F1 पार्टिकल्स होते हैं, करेक्ट। हाँ, अब आपको कहाँ फोकस करना है, यू हैव टू फोकस फॉर ETC पाथवे, जो हम पाथवे आज पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, उस पाथवे को जानने के लिए, उस पाथवे को जानने के लिए हमको तीन रीजन्स में, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ कि आप सपोज नेक्स्ट वीक यू आर गोइंग टू ट्रैवल फ्रॉम वेयर, तो यू आर गोइंग टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई टू गुजरात टू दिल्ली टू मुंबई टू गुजरात, तो आपका पूरा टूर किसके बीच में रहेगा, दिल्ली मुंबई गुजरात के बीच में रहेगा, है ना, आप इन्हीं तीन के बीच में भागते रहोगे। तो वैसा आज अपन ETC पाथवे किसके बीच में भागते रहने वाले, कौन से तीन रीजन है जिसको अपन डिस्कस करने वाले हैं, तो उन रीजन का नाम है, पहला रीजन है उनमें से मैट्रिक्स, समझ में आया। तो पहला रीजन अपन कवर करने वाले मैट्रिक्स को, यहाँ कुछ पढ़ाई करेंगे, देन हम बाकी की अपनी पढ़ाई करेंगे जाके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, मतलब इस रीजन में स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी आज आप कुछ पढ़ने वाले हो, एंड देन ये पूरा इनर रीजन, ठीक है, ये पूरा इनर रीजन ले लो, एंड देन आप कुछ पढ़ाई करने वाले हो जाके इस रीजन में भी, विच इज इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इज दिस अंडरस्टूड। सो ये तीन रीजन हमें हमारे काम के हैं आज, ठीक है। अब इस डायग्राम में मैं आपको ड्राइंग करके नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, इसलिए मैंने आपको पहले रीजंस बता दिए, और अब मैं पूरे पेज को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है। सो पूरे स्क्रीन को आई डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स, सो दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो रीजन मुझे दिखेगा, दिस इज एंटायर मैट्रिक्स पार्ट, ये वाला, ये पूरा पार्ट मैट्रिक्स है, ओके स्टूडेंट्स। देन ये जो पार्ट होगा, दिस इज माय इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब आई होप आपको समझ में आ रहा है कि अपन कहाँ घूम रहे हैं, स्कीमेटिकली समझना है आपको, रीजन्स में खाली डिफाइन कर रहा हूं। देन इसके बाहर क्या रहता है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, याद आ रहा है आपको, इसके बाहर होता है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, कैन यू ऑल रिकलेक्ट स्टूडेंट्स, ये देखो अब समझ में आई बात, यस सर, वेरी गुड। कोई ऐसा है जिसको अभी भी नहीं समझा, अपन क्या करने वाले, हम इन तीन रीजन के बीच में पढ़ाई करने वाले, ओके, ये क्लियर है। तो सर ये तीनों के बीच में होता है ETC पाथवे, हाँ एग्जैक्टली, ETC पाथवे यहीं पे होता है, अभी तू समझेगा तुझे कैसे होता है, ठीक है, ओके सर, ओके चलो चलो सबके सब, अगर आप हो सके तो आपके बुक को हॉरिजॉन्टल, आपके बुक का हॉरिजॉन्टल पेज, मतलब आपके बुक के पेज को ऐसे हॉरिजॉन्टल लेआउट ले लो, टेढ़ा कर लो, और हॉरिजॉन्टल पेज में ऐसे बनाने जैसे मैंने बनाया है, ठीक है, ये जो लाइन से ये मत बनाना, ऐसे खाली पूरे पेज को तीन पार्ट में डिवाइड कर दो, एंड इफ पॉसिबल ये जो मिडल वाला पार्ट है इसको एकदम मोटा रखना, ठीक है, मिडल वाले पार्ट को जितना मोटा हो सके उतना मोटा बनाना, ये देखो मैंने इसको एकदम मोटा बना दिया, ठीक है, मिडल वाले पार्ट ऐसे, पूरे पेज को तीन पार्ट में डिवाइड कर लो, चलो राइट हैंड साइड आएगा मैट्रिक्स रीजन, बीच में होगा इनर मेम्ब्रेन, और लेफ्ट हैंड साइड आपके आएगा इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। चलो ऑल ऑफ यू डन, वंस यू आर डन यू कैन रेज योर हैंड, वंस डन यू कैन रेज योर हैंड स्टूडेंट्स, हाँ आई हैव केप्ट माई कैमरा ऑफ टुडे, कैमरा ऑफ रखा है बिकॉज अदरवाइज फिर नेटवर्क इशू होगा, आई एम नॉट ऑन वाईफाई, डन स्टूडेंट्स, शाबाश, चलो आगे बढ़ जाऊं मैं, yes, sir. जो जो नई रिकॉर्डिंग जो जो लिख नहीं पा रहा है ना वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अगर आपको पूरा फोकस करना है यहाँ पे फिलहाल पाथवे पे, आपको ऐसा कि मैं लिखूंगा नहीं, मैं खाली फोकस करना चाहता हूँ, तो कम्प्लीटली यू कैन फोकस ओवर हियर, ठीक है, चलो स्टार्ट करें। अब स्टोरी ध्यान से सुनना, ठीक है, वेरी नाइसली स्टोरी को अच्छे से आपको सुनना है, लिसन टू दिस स्टोरी एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई कि अपन क्या बातें करेंगे, ठीक है, उस पर ट्राई करो स्टिक करने का, ये ट्राई करो, जो मैं जो जो बातें बोलूँ खाली उस पर रहना, धीरे धीरे आपको पूरा स्टोरी समझ में आएगा, पहले टेंशन मत लेना कि अरे ये कहाँ गया वो कहाँ गया, जरा भी टेंशन नहीं, जब भी आपको लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, इमीडिएटली आप अपना ऑडियो ऑन करोगे
और मुझे बोल दोगे कि सर आप जो भी पढ़ा रहे हो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, सब बाउंसर जा रहा है, ठीक है, ऐसे बिंदास आप बोल सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं हो, ठीक है स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करें। सो पहला बात तो ये है, पहला बात तो ये है, याद है ना अपना मोटिव क्या है, ईटीसी पाथवे हमारे लिए क्या करता है, कौन बताएगा मुझे, व्हाट ईटीसी पाथवे डज फॉर मी, व्हाट इज द कन्वर्जन रेडी बी, कन्वर्जन वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जो भी हमने कमाया है ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल से एंड लिंक रिएक्शन से, दैट इज इफ आई रिमेम्बर वेरी वेल एनएडीएच प्लस एच प्लस, ये हमने कमाया है क्रेब्स साइकिल ग्लाइकोलिसिस लिंक रिएक्शन सबसे कमाया है, राइट है। इसके अलावा हमने ये भी कमाया है एफएडीएच टू, एंड ये दोनों मेरे एटीपी फॉर्म में नहीं है, इनको एटीपी फॉर्म में लाना बाकी है, तो वो कन्वर्जन कौन करता है, इनको कन्वर्ट कौन करता है एटीपी में, ये है हमारा ईटीसी पाथवे, करेक्ट, सबको समझ में आ गया। तो अब आपको समझा कि आप ये कर क्यों रहे हो, ये समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी था कि हमारी जो अब तक की कमाई है, अपनी जो अब तक की अर्निंग है, कमाई है, वो क्या क्या कमाई है। रेबेका बोलेगी मेरे पास एटीपी भी है सर, 4 एटीपी कैश में है मेरे पास, बाकी आई हैव 10 NADH+, 10 H+ एंड आई हैव 2 FADH2, दिस इज ऑल आई हैव, करेक्ट रेबेका, करेक्ट है, अग्री कर रही है, सर 480। करेक्ट है, 4 ATP है ना, एंड 10 NADH+H+ एंड 2 FADH2, राइट, ये टोटल है अब तक तेरे पास, अगर हम क्रेब्स साइकिल तक ही खाली रुक जाए तो ईटीसी में ना जाए, है ना, यस और नो, यस और यस नो। सर। हाँ ऑडियो पे बोलते रहना बिकॉज मैं आपको कैमरा, मैं आप स्क्रीन नहीं देख पा रहा हूँ, तो अगर आपने थम्सअप किया कुछ किया तो मुझे नहीं समझ में आएगा, ठीक है, सो ऑडियो पे बोलते रहना आंसर्स। ऑलराइट, सो NADH+H+ ये सारी बातें, ये जो कमाई है रेबेका, ये सब लेकर आ गई कहाँ पे, क्रेब्स साइकिल के पास, ईटीसी के पास लेकर आ गई, ठीक है, चलो यहाँ ध्यान देते हैं। तो यहाँ क्या होगा, मैट्रिक्स मैंने क्यों लिखा, बिकॉज मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल होता है ना, तो जाहिर सी बात है यहीं पे बनेगा NADH+H+, और साइटोप्लाज्म में बनता है ग्लाइकोलिसिस में, वो भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, सब लोग यहाँ पे आ जाएंगे, मैट्रिक्स में आ जाएंगे। मैट्रिक्स में आने के बाद, मैट्रिक्स में आने के बाद देखो NADH+H+ है, अब क्या होगा, ये NADH+H+ अपना ये दोनों चीजें चेक करो, ये वाला पार्ट एच वाला और ये वाला, ये दोनों पार्ट ये लोग डोनेट करके रिटर्न चले जाएंगे, ये देखो एस रिटर्न चले जाएंगे, कौन से फॉर्म में रिटर्न जाएंगे, दे विल फॉर्म प्लस NAD+, करेक्ट, ये NAD+ वापस कहाँ जाएगा, व्हाट डू यू थिंक रेबेका, बता, दोनों एच और एच देकर हम कहाँ वापस चले जाएंगे, ये वो NAD+ ग्लूको ग्लाइकोलिसिस है और ना, साइकिल शाबाश, ये बोलेगा चलो मैं वापस जाता हूँ कुछ और एच ढूंढने जा रहा हूँ, हमने पूछा कहाँ जा रहा है, बोलेगा भाई जहाँ पहले गया था ग्लाइकोलिसिस में जा रहा हूँ और TCS साइकिल में, ऑल्सो नोन एज क्रेब्स साइकिल, वहां जा रहा हूँ, फिर से NADH+H+ बन के आऊंगा, ठीक है चलो बाय बाय, ऐसे बोल के ये चला गया। सबको समझ में आया ये बात, यस बताओ सर। स्टूडेंट्स, सर प्लीज यस एक्सप्लेन सर, अगेन। हेलो, यस सर। यस सर, नाउ यू आर हेलो, ऑडिबल। हाँ ओके, बोलो बोलो, कोई डाउट था अब तक किसी को, सर वी हैव 6 ATPs ना, यू सेड 4। 6 ATP था लेकिन उसमें से -2 किया था ना, याद आ रहा है, -2 किया था कि नहीं किया था हमने, यस सर, हमने यस सर। दो ATP किया था स्टार्टिंग में, उधार लिया था, राइट, तो खाली 4 बचे, अंडरस्टूड, यस सर, यस सर। ओके, यहाँ पे ATP का बात नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ NADH+ एंड FADH2 का बात होगा बस, ठीक है, खाली उतनी ही बात की यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। जस्ट अ सेकेंड, आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट, नेटवर्क बहुत बेकार है इसलिए कनेक्शन हो नहीं पाएगा, बट स्टिल आई विल ट्राई, एटलीस्ट मैं आप लोगों को स्क्रीन पे देख सकूं तो आप लोग हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो समझ में आएगा मुझे, ठीक है, व्हाइल कनेक्टिंग ओवर हियर लेट मी प्रोसीड अहेड।
सो ये एनडीप्लस प्लस ग्लाइकोलाइसिस ये सी बाहर चले जाएगा, ये आपने अपने बुक में बना लिया, बना लो इसको एकदम टॉप पे बनाना, ठीक है, एकदम टॉप पे बनाना इसको, ओके। सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस अगेन? हाँ श्योर श्योर श्योर, आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन, ओके। तो मैं क्या बताया, मैंने ये बताया, मैंने इतनी बताई अब तक खाली कि जो NADH plus plus मुझे मिला ग्लाइकोलिसिस में, जो NADH plus H plus मुझे मिला क्रेब्स साइकिल में, सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग, सर यू आर नॉट ऑडिबल। मैट्रिक्स रीजन लिखा है ना, मतलब ये लोग मैट्रिक्स वहां पे। हेलो हेलो, यस सर, आवाज आ रही ना मेरी सर? नहीं आ रहा, अभी आई, अभी आया सर, बीच में नहीं आ रही थी आपकी आवाज। हेलो हेलो, यस सर, नाउ यू आर ऑडिबल सर, यस सर, आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था जो NADH plus H plus है, ये जो मैंने कमाया है 10 NADH plus H plus जो मैंने कमाया है क्रेब्स साइकिल से, ग्लाइकोलिसिस से, सबको मैं लेकर आऊंगा। कहाँ लेकर आऊंगा? आई विल ब्रिंग देम मैट्रिक्स में, तो ये जमा ऑलरेडी हो गए हैं कि आ जाएंगे इनर मेम्ब्रेन की तरफ, ठीक है। अब ये लोग इनर मेम्ब्रेन को कुछ देने वाले हैं, समझ में आया रेबेका? समझ में आया? पर सर NAD plus होके वो वापस जा रहे हैं ना ग्लाइकोलिसिस और TCA साइकिल में, तो वो इनर मेम्ब्रेन में क्यों आएगा? एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। अभी इनर मेम्ब्रेन पे ये क्या देने आएगा, वो सोच रेबेका। तो मुझे एक बात बता, ग्लाइकोलिसिस का एक स्टेप याद कर, चल सिक्स स्टेप याद कर ग्लाइकोलिसिस का, ठीक है, मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ तेरे लिए। सिक्स स्टेप क्या था याद आ रहा है? 3-PGAL से हम बनाते थे 1,3-DiPGA, याद आ रहा है? ये हम बनाते थे। Now, इसमें मैंने बोला था कि NAD plus आएगा, NADH बनके चला जाएगा। Do you remember this? NAD plus आएगा, NADH plus H plus बनके चला जाएगा। तो इसको एक्स्ट्रा पार्ट क्या मिला था ऐसा, इसको रिएक्शन में आया तो इसको रिएक्शन ने क्या गिफ्ट दिया? रिएक्शन ने इसको ये गिफ्ट दिया, याद आ रहा है क्या? रेड में जो H लिखे हैं देख, वो उसको गिफ्ट मिला था ना। तो ये NAD की कमाई है, ये NAD की कमाई है इतना पार्ट, तो यही कमाया हुआ पार्ट वो लेकर आता है बैंक के पास, समझा? बैंक को क्या बोलेगा कि दोनों रेड वाले जो एच है ना मेरे से प्लीज ले लो, ठीक है, रेड वाले एच मेरे से ले लो और मैं वापस जाता हूँ थोड़े और एच कमा के लाऊंगा। कहाँ से कमाने जा रहा है? तो बोलता है मैं ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन में जा रहा हूँ, वहीं से कमा के लाऊंगा। समझ में आया बेटा? सो अपना एच देने हैं इनर मेम्ब्रेन को, क्लियर है? क्लियर है? तो सर वो ईटीसी में जाता है या ग्लाइकोलिसिस और टीसीए में? एनएडी प्लस तो जाएगा ग्लाइकोलिसिस और टीसीए में जाएगा ना, जो एनएडीएच एच प्लस है वो आएगा ईटीसी में। अभी ईटीसी चालू नहीं हुआ है रेबेका, ये देख, ये देखिए, ये देख, ये पूरा हटा दे, ये पूरा हटा दे, तुझे एकदम फ्रेशली वापस बताता हूँ, सब कुछ भूल जा, ये सब भूल जा, सब भूल जा, सब भूल जा, सब भूल जा, ये भी भूल जा, हटा दे ये पूरा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दे, चल मुझे एक बात बता, ग्लाइकोलिसिस में और क्रेब्स साइकिल में क्या एंटर होता है? NAD plus एंटर होता है या NADH plus एंटर होता है? क्या एंटर होता है ग्लाइकोलिसिस में और क्रेब्स साइकिल में? NAD plus। शाबाश, दैट इज राइट आंसर, ठीक है, ये ग्लाइकोलिसिस में आता है, क्रेब्स साइकिल में भी यही आता है। और ये दो बनके क्या निकल जाते हैं? ये, ठीक है, सपोज दिस इज रेबेका, ठीक है, ये रेबेका है। तो अभी यहाँ पे रेबेका को और क्या क्या दिख रहा है मेरे को रेबेका के साथ, और कौन कौन दिख रहा है? ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, करेक्ट है? यस सर, करेक्ट है। और ये दोनों कब मुझे दिखे? जब रेबेका कहाँ जाके आई? जब वो ग्लाइकोलिसिस में जाके आई, या जब वो लिंक रिएक्शन में जाके आई, या जब वो क्रेब्स साइकिल में जाके आई, करेक्ट? तीनों पाथवे में जब वो जाएगी और जब निकलेगी वहां से, तो उसको ये सब दो गिफ्ट मिल जाएंगे, एक एच एक एच प्लस, करेक्ट? यस सर। दिस एच इज हैविंग माइनस चार्ज, इफ यू कैन रिकॉल, एक्चुअली दिस एच इज हैविंग माइनस चार्ज, तभी तो एनएडी प्लस के पास चला गया ना,
राइट है, राइट है ये, अंडरस्टूड? यस सर। ओके वेरी गुड। ये देखो अभी देखो समझ गए 90% चीजें अब समझ चुकी है, ठीक है। अब ये तू लेकर कहाँ जाएगी पता है रेबेका? ये तू लेकर कहाँ जाएगी? ये तू लेकर जाएगी ईटीसी के पास, ईटीसी पाथवे के पास तू जाएगी और उसको बोलेगी ये लो आप बैंक को ना प्लीज स्टोर माय HHH, मेरी कमाई प्लीज स्टोर करो, मेरा गिफ्ट आप अपने पास रखो, ऐसा तू उसको बोलेगी ईटीसी पाथवे को। अंडरस्टूड? अब मुझे सोच के बताना तूने उसको क्या दे दिया। ये देख तू जब बैंक से मैं गई तो तू क्या थी, ये थी रेबेका। ये देख जब बैंक में गई तो ऐसा कुछ दिखती थी, जब बैंक से निकली वापस तो ऐसे कुछ दिखती है। मतलब तूने बैंक को क्या दे दिया, बैंक को क्या दे दिया तूने, बस अंडरस्टूड? समझ में आया सबको ये? बताओ स्टूडेंट्स। यस सर। फॉरवर्ड अदर्स। यस सर। हां सर। क्लियर है? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ? अगर आपको नहीं समझा तो आप ऑडियो पे मुझे पूछो प्लीज, जिसको समझा है पूछना तो मुझे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये देखो एनएडी प्लस एंट्री करता है, कहाँ आता है एनएडी प्लस? एनएडी प्लस आता है ग्लाइकोलिसिस ले लूं या लिंक रिएक्शन ले लूं या क्रेब्स साइकिल ले लूं, हर जगह तो दिखता ही मुझे एनएडी प्लस, है ना, कहीं ना कहीं दिखता ही है। तो एनएडी प्लस आता है इनके पास और ये सारे पाथवेज, इन पाथवे में उसको गिफ्ट क्या मिलता है जो मैंने रेड सर्कल में मारा, ये उसका गिफ्ट है। भाग भाग के गया वो, गिफ्ट दे दिया बैंक को, बोला ये ले तुम अपनी गिफ्ट रख मैं आता हूँ वापस, इसके बदले मुझे कैश चाहिए। क्या चाहिए मुझे इसके बदले? कैश। रेडी रखना थोड़ा और लेकर आता हूँ। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो ये साइकिल लगातार आपके बॉडी में चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। डू आई एग्री विद दिस? एवरीवन डू एग्री विद दिस? यस सर। यस सर। शाबाश शाबाश। यस सर। शाबाश। चलो अब आपका मुझे ये क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सबके सब स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये आप अपने बुक में कभी बना देना तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा पिक्चर, ठीक है। अब देखो, अब रेबेका का मुझे ये क्वेश्चन होना चाहिए था, या प्रिया का मेरे को ये क्वेश्चन होना चाहिए था, या पलक का, या अद्रा का, ये सब लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि ईटीसी पाथवे मतलब बैंक के अंदर एंट्री मारे क्या? अपन ने तो क्या किया, हमने छुपके से बैंक के बाहर खड़े थे अपन छुपके, और हमने देखा रेबेका अंदर गई, अंदर लेकर गई तो उसके पास दो बैग था, बाहर आई तो उसके पास एक भी बैग नहीं, मतलब उसने दोनों बैग अंदर बैंक में रख के आई। तो जब अब रेबेका चली गई वापस ग्लाइकोलिसिस की तरफ, जब वो चली गई वापस लिंक रिएक्शन की तरफ, जब वो चली गई वापस क्रेब्स साइकिल की तरफ, तब हमने क्या किया, चोरी से धीरे 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 ये बिल्डिंग के अंदर जाएंगे। कौन से बिल्डिंग के अंदर जाएंगे अपन, बताओ? ईटीसी में। कौन सी बिल्डिंग के अंदर जाना है अपने को? वेरी गुड, है ना, ईटीसी के अंदर चलते हैं। चलो सो ईटीसी के अंदर जाते हैं और चेक करते हैं ऐसा कौन है यहाँ पे जिसने रेबेका के वो दोनों बैग ले लिए, और क्या होता क्या है यहाँ पे, रेबेका बैग रख के गई क्यों, पहली बात ऐसा क्या था जो यहाँ पे बैग रख के चली गई, यहाँ पे होता क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स? अंडरस्टूड? ओके, तो अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब मैं आता हूँ बताता हूँ कि ये ऐसे कौन लोग है वहां पे। तो ये देखो, ये है आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ही ईटीसी पाथवे होता है, ठीक है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ध्यान दो वर्ड में क्या बोल रहा हूँ, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं ईटीसी पाथवे के सारे प्लेयर्स, ठीक है। ईटीसी पाथवे के सारे एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, सब कैरेक्टर्स इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर रहते हैं, ओके। तो सबसे पहला कैरेक्टर कौन मिला हमको, अब अपन अंदर जा रहे हैं, अब अपन अंदर जाके पूरा स्टोरी अब अंदर से देखेंगे, ठीक है। तो इमेजिन करो, अब आप बैंक के अंदर छुपे हुए हो और बाहर से रेबेका आ गई, ये देखो ये रही रेबेका, ने अपना बैग उसके पास से, ये रहा H, ठीक है, और ये रहा H प्लस। ये सबको समझ में आया यहाँ तक? बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। बाहर से मैं पिक्चर देखूंगा तो बाहर से पिक्चर मुझे ये दिखाई दिया, ये देखो NAD प्लस, रेबेका रिटर्न जा रही है। पूछा इसको कहाँ जा रही है, तो उसने बोला मैं जाऊंगी या तो जी में, या तो एल में, या तो के में। बताओ जी क्या है? जी क्या है? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस। एल क्या है? लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन। शाबाश शाबाश। के क्या है? क्रेब्स साइकिल। G is for ग्लाइकोलिसिस, L is for लिंक रिएक्शन,
एन के इज फॉर क्रेब्स साइकिल. ओके, अब मैं इसका फुल फॉर्म यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, तो अपन अब अपन बैंक के अंदर से देखते हैं. तो अंदर से क्या दिखाई दिया कि जैसे ही रेबेका यहाँ पे आई थी तो उसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए. इलेक्ट्रॉन्स किसको दिए, ध्यान देना मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स. एच के पास इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे ना, याद आ रहा है मैंने बोला था ये वाला जो एच है वो हाइड्राइड है. दो तीन लेक्चर पहले मैंने आपको बताया था ये एच जो है वो एच माइनस है, एच प्लस नहीं है, है ना. तो इसने जो अपने इलेक्ट्रॉन्स है, इसके दो इलेक्ट्रॉन्स थे इसके पास. ठीक है, ये देखो इसका जो रेबेका गिफ्ट मिला था वो ऐसा गिफ्ट था, एक माइनस वाला एच एंड एक प्लस वाला एच. तो ये जो माइनस वाला एच है ये चला गया था एनएडी के पास बनने के लिए एनएडीएच. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. तो ये जो दो डॉट मारे हैं मैंने, ये जो दो डॉट यहाँ पे किए हैं ये इलेक्ट्रॉन्स है. कितने इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो अब देखते हैं रेबेका बैंक के अंदर आके क्या किया उसने. जैसे रेबेका बैंक के अंदर गई उसने ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल के किसी को तो दे दिया. आप बोलोगे सर एच भी दे दिया ना, एच कहाँ दिया, तो होल्ड करो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा एच कहाँ गया. ठीक है, एच कहाँ गया मैं बताऊंगा. आप ये बताओ कितना एच रेबेका यहाँ रख के गई है, कितना एच रख के गई है यहाँ पे, दो एच. शाबाश, वेल डन. दो एच के गई है. ठीक है, बट बैंक के अंदर आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है. जब बैंक के अंदर से देखता हूँ मेरे को एच नहीं दिख रहा, मतलब जरूर रेबेका ने कुछ तो गोलमाल किया है. उसने वो दो एच कहाँ छुपाया है हमको नहीं पता, बट हमको याद रहे कि अपने को उसको क्वेश्चन करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे दो एच छुपा के रख देता हूँ. यार अपने को ध्यान रहना चाहिए ना, तो मैंने खाली एक पेपर पे लिख कर रखा है कि दो एच इज मिसिंग, ये मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, टू एच मिसिंग. ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे का किस्सा सुनते हैं क्या दिखा, पहले वो देखते हैं. सो दो इलेक्ट्रॉन्स रेबेका ने निकाल के दे दिया, और किसने रिसीव किया दो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव किया एफ एम एन ने. किसने रिसीव किया स्टूडेंट्स, किसने रिसीव किया, FMN का फुल फॉर्म क्या है, वेरी गुड, FMN का फुल फॉर्म क्या है, फ्लैमिन मोनो न्यूक्लियोटाइड. क्या फुल फॉर्म है, फ्लैमिन मोनो न्यूक्लियोटाइड. आपके बुक में ऐसे बना लो, टॉप पे बनाना है, बहुत सारा स्पेस आपको यूज करना है. फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, छोटा सा FMN के नीचे लिखना फुल फॉर्म, ऐसे बड़ा बड़ा स्पेस FMN के एग्जैक्ट नीचे. आपने जो लॉन्ग बुक पे तीन सेक्शन बनाए हैं ना लॉन्ग बुक पे, ठीक है, तो जो मैट्रिक्स रीजन है वहां पे आप ये लिखोगे NADH plus H plus NAD plus ये वाला काम. देन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो आपका सेकंड मिडिल कॉलम है वहां पे आएगा FMN. FMN के नीचे छोटे से फॉन्ट में उसका फुल फॉर्म लिख दो, फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड. ठीक है, लिख दिया सबने, एक एक करके पूछो, एक एक करके, दो दो आवाज मुझे नहीं समझ में आएंगी. सर ये कहाँ पे लिखना है नहीं समझ रहा. हाँ. ओके, किसको समझ में आए कहाँ पे लिखना है, समय को मुझे भी. हाँ, कांदिवली से कौन कौन है बताओ. सर मैं, हाँ कांदिवली पे एक फोटो डाल दे, ग्रुप में एक फोटो डाल दे. अंधेरी से कौन इसको समझ में आया. सर मैं. हाँ, ग्रुप पे फोटो डाल दे प्रिया. हाँ सर एक डाउट था, ये तो मैं अभी रफली बना रही हूँ क्योंकि पहले मैं ध्यान दे रही थी इसलिए. सर हम लोग दो पेज के बीच में ऐसा कर सकते हैं, लाइक पूरा दो पेज ऑक्यूपाई कर सकते हैं. हाँ बिंदास. नहीं क्योंकि आपने बोला बड़ा, इसके लिए फिर मैं रफ में बनाई हूँ. ओके ठीक है ना सर, तो ध्यान दे रहा था इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट लिया. हाँ किस कोई भी भेज सकता है, ग्रुप में भेज दो. ओके सर. हाँ सर ये जीएल के में अल्फा का फुल फॉर्म क्या, क्या एफ क्या बोल रही है सर, ये एल क्या है, एल इज लिंक रिएक्शन. वो टू एच मिसिंग भी लिखना है. ओके नहीं, 2H मिसिंग मत लिखना, मत लिखना. ठीक है सर, कर दिया सर. हाँ ओके सर. हाँ बोल. इट मींस दैट टू हाइड्रोजन वेंट टू ETC बट ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स वर टेकन फ्रॉम देम.
सुपर, वेरी गुड वेरी गुड. दो एच का क्या हुआ अपन बाद में किस्सा बताएंगे. ओके सर थैंक यू. एक मिनट सर, तो वो जो दो हाइड्रोजन है वो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में आ गए क्या? अरे नहीं यार, दो हाइड्रोजन का टेंशन क्यों ले रहे हो तुम लोग, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, बता दूंगा क्या हुआ है उसका. ठीक है सर ठीक है. हाँ रुक जा अभी, चला किडनैप तो इसीलिए रिस्क नहीं ले सकते. हाँ ये सुपर बना है. ये किसने भेजा? पूजा ने भेजा. ठीक है रुको, पूजा ने जो भेजा है ग्रुप पे, कांदीली बुरली ग्रुप पे भेजा है, ये मैं अंधेरी के ग्रुप पे भेज रहा हूँ. ठीक है अंधेरी ग्रुप पे ये भेजता हूँ. ये देखो ऐसे आई एम एक्सपेक्टिंग पीपल टू ड्रॉ. ये देखो स्टूडेंट्स ठीक है, ये टू एच मिसिंग है वो मैंने लिखा है. ठीक है आपको लिखने की जरूरत नहीं. ओके पूजा तू अभी उसको वहां से हटा सकती है. वो मैंने खाली आपको समझाने के लिए खाली लिखा कि ये अभी अपन बाद में इसका स्टोरी देखेंगे क्या होता है. ओके समझा? सब अंधेरी वालों को समझा कैसे लिखना है बताओ? समझ में आ गया सबको? हाना 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 प्लीज बोल दो. आगे चलते हैं. ठीक है आगे चलते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं. तो आगे मैं क्या कर रहा हूँ चेक करो. ठीक है अब देखो क्या होगा. एफ एम एनसी फुल फॉर्म भी सबको लिख देना है. ओके मैं रुकू आपके लिए दो मिनट, लिखना है आपको? हो गया सर. ठीक है तो अब देखो, अब ये पाथवे का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. करेक्ट, ईटीसी पाथवे का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. करेक्ट स्टूडेंट्स, है ना? तो अभी क्या देख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन देख रहा हूँ. एनएडीएच से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुआ, एनएडीएच प्लस एच प्लस ने इलेक्ट्रॉन दे दिया एफएमएन को और खुद बन गए एनएडी प्लस. करेक्ट है, खुद बन गए एनएडी प्लस. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किया उन्होंने. किसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किया उन्होंने बताओ मुझे देख के स्क्रीन पे, किसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किया? एफएमएन. एफएमएन करेक्ट आंसर. एफएमएन करेक्ट आंसर. ठीक है अब एफएमएन से किसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किया जाएगा? लुक ऑन द स्क्रीन स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे चेक करना. ठीक है मैं फुल फॉर्म हटा रहा हूँ ताकि आई कैन यूज दिस स्पेस. कोई भी हैंड रेज नहीं करेगा, हैंड रेज मत करना, मैं स्पेस को यूज नहीं कर पाऊंगा. ठीक है स्टूडेंट्स ये देखो, अब देखो एफएमएन से मैंने किसको दे दिया पता है? इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन्स किसके पास चले गए? अब जब मैं एरो बना रहा हूँ समझ जाओ इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है. ठीक है मैं बार बार इलेक्ट्रॉन ही लिखूंगा एरो. ओके तो अब जाएगा ये आयरन सल्फर प्रोटीन के पास. प्लीज म्यूट योर ऑडियो एवरीवन, ऑडियो म्यूट पे है आपका, चेक करो. मानसवी राठौड़, हाँ ये अब चला जाएगा आयरन सल्फर प्रोटीन के पास. इसका फुल फॉर्म क्या है? Fe मतलब आयरन, S मतलब सल्फर, तो मैं इसको बोलता हूँ आयरन सल्फर प्रोटीन. क्लियर स्टूडेंट्स? मैं लिख दूं यहाँ पे फुल फॉर्म क्या बोलना है इसको, आपको ऐसे बुलाना है आयरन सल्फर प्रोटीन. क्लियर? तो क्या बोलोगे? फ्रॉम एफएमएन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड टू आयरन सल्फर प्रोटीन्स. क्लियर? बताओ स्टूडेंट्स क्लियर? यस सर. यस सर. सबको समझ में आया? यस सर. शाबाश शाबाश. अब ये दोनों कहाँ पे हैं? कोई मुझे आंसर देगा? एफएमएन एंड आयरन इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बोलते हैं. चलो ठीक है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बोलेंगे. ठीक है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर मतलब बैंक के अंदर ये सारे बैंक के एम्प्लॉइज हैं. रेबेका ने इलेक्ट्रॉन दे दिया एफएमएन को, एफएमएन ने दे दिया एफईएस को. चलो मैं आपके लिए इलेक्ट्रॉन्स भी बना देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहना इसका. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप साथ में नहीं लिख रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट लेते. ठीक है क्लियर बात है ये? समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया सबको? अब चलता हूं मैं आगे. अब यहां से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? ये जो दोनों आदमी हैं ये दोनों एफएमएन और एफईएस. ठीक है अब देखना आगे की स्टोरी बता रहा हूं मैं. आयरन सल्फर प्रोटीन को मैं हटा देता हूं. ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये दोनों आदमी हैं इनको ये दोनों पता है कहां बैठते हैं स्टूडेंट्स? ये दोनों बैठे हुए हैं
फर्स्ट फ्लोर पे, कौन से फ्लोर पे बताओ, कौन से फ्लोर पे बैठेंगे लोग? फर्स्ट फ्लोर, ऐसे लिख दो। तो ये इनका जो फ्लोर है वो है फर्स्ट फ्लोर। इसको मैं, चलो इनके इनके जो विंग का नाम है, इनके जो केबिन का नाम है, इनके जो फ्लोर का नाम है, उसको मैं बोलता हूँ कॉम्प्लेक्स वन। ठीक है, तो यहाँ पे या ऊपर मैं लिख देता हूँ, चलो कॉम्प्लेक्स वन। मैं कॉम्प्लेक्स वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, खाली वन लिख रहा हूँ, चलेगा ना? कॉम्प्लेक्स वन बोलते हैं इसको, ये लोग जहां पे रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे, तो उसको नाम, उस जगह का नाम है कॉम्प्लेक्स वन। ओके, देन यहां से इलेक्ट्रॉन अब ऊपर ऊपर भेजा जाएगा। कहां भेजा जाएगा, चेक करो कहां भेजा जाएगा स्टूडेंट्स? तो थर्ड फ्लोर पे भेजा जाएगा। ये टू है जो मिसिंग, उसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, थर्ड फ्लोर पे भेजा जाएगा। ये रहा मेरा थर्ड फ्लोर, ये रहा मेरा थर्ड फ्लोर स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसे मैं दिखा दूं यहाँ पे थ्री, समझ में आएगा? सेकंड फ्लोर कहाँ गया आप पूछोगे, तो अभी मैंने इसको गायब कर दिया, बाद में दिखाता हूँ। ठीक है, थर्ड फ्लोर पे मैं जा रहा हूँ सीधा, थर्ड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर पे जाते तक, थर्ड फ्लोर में जाने के पहले स्टेयर केस में मुझे कौन मिला पता है? स्टेयर केस में मुझे कौन मिला? मुझे मिला यूबीक्विनोन। कौन मिला? यूबीक्विनोन। फुल फॉर्म लिखो यहाँ पे आपके इंफॉर्मेशन के लिए, यूबीक्विनोन। समझ में आया? यूबीक्विनोन को मैं कैसे एक्सप्रेस करता हूँ? यूक्यू, स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म है, यू कैन यूज दिस शॉर्ट फॉर्म, यूबीक्विनोन। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखो इलेक्ट्रॉन्स FeS के पास से कहाँ गए, कौन बताएगा मुझे? यूबीक्विनोन। शाबाश शाबाश, यूबीक्विनोन। सो अपन ऐसे बोलेंगे, हमको ऐसे बोलना है, आयरन सल्फर प्रोटीन्स विल ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन टू यूबीक्विनोन, दे विल ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन टू यूबीक्विनोन। क्लियर, क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आया ये? यस सर। जल्दी बताओ, समझ में आ गया ये? यस सर। यूबीक्विनोन, हाँ, यूबीक्विनोन कहाँ पे? स्टेयर्स पे है। फर्स्ट फ्लोर पे है क्या? नहीं। कॉम्प्लेक्स थ्री पे है क्या? नहीं। कॉम्प्लेक्स टू पे है क्या? नहीं। कॉम्प्लेक्स वन पे है क्या? नहीं। कहाँ पे है? बीच में कहीं पे घूम रहा है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर बीच में कहीं पे घूम रहा है। ओके, अब जैसे यूबीक्विनोन को इलेक्ट्रॉन मिला तो यूबीक्विनोन क्या बन जाएगा? जैसे यूबीक्विनोन को इलेक्ट्रॉन मिला तो यूबीक्विनोन को क्या बन जाता है बताओ? ये बन जाता है रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ यूबीक्विनोन। आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं अपन, इसका रिडक्शन हो गया। ये आप जानते हो, इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करता है अपन बोलते हैं रिडक्शन हो गया इसका, रिडक्शन। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस व्हाट? रिडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो रिडक्शन फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म कैसे दिखाई देता है पता है? ऐसे दिखाई देता है, ये देखो। अगर मैं लिख दूं UQH2, मतलब समझ जाओ दिस इज रिड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखना आपने वो जरूरी था, हर एरो पे इलेक्ट्रॉन अज्यूम कर लो आप इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, बताओ यहाँ तक समझ में आ गया सबको? मैं अभी भी कॉम्प्लेक्स थ्री में एंट्री नहीं मारा है, मैंने कॉम्प्लेक्स थ्री में अभी भी एंट्री नहीं मारा है मैंने। क्लियर है इतनी बात? बताओ क्लियर? यस सर। वेरी गुड। अब अपन, अब जो ये जो सर, मैं, आपने जो फ्लो FMN के बारे में बोला था ना, तब मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी तक क्या किया हम लोगों ने? अभी तक हमने क्या किया? हमने FMN के पास जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो चले गए आयरन सल्फर प्रोटीन के पास, जो कि है FeS। ठीक है, और ये दोनों लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, तो हमने यहाँ पे वन लिखा है, दिख रहा है? यहाँ पे हमने वन लिखा है। ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? यूबीक्विनोन के पास। यू क्यू लिखने का खाली, बस उसका फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिखा है, यूबीक्विनोन। ठीक है, यूबीक्विनोन। नेक्स्ट, अब मैं यूबीक्विनोन को भी डिलीट कर रहा हूँ। जैसे यूबीक्विनोन को इलेक्ट्रॉन मिला वो बन गया रिड्यूस्ड फॉर्म, उसका रिडक्शन हो गया। तो मैं इसको कैसे एक्सप्रेस करूँ, कैसे दिखाऊं कि वो रिड्यूस्ड फॉर्म है? तो मैं लिख देता हूँ खाली लास्ट में H2। जब भी मैं लास्ट में H2 लिख दूंगा, समझ जाना कि इट इज रिड्यूस्ड फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, सो UQH2 हो गया। अब जाके UQH2, हाँ बोल 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 कुछ सर। FeS को चार इलेक्ट्रॉन मिले ना FMN से? नहीं, चार नहीं मिले, दो ही मिले। ये जो FeS ने UQ के पास दिया उसको मैंने 2 ही लिखा है। अच्छा अच्छा ओके, ठीक है ओके। अभी तुम्हारे जो चार्ट में ना, तुम्हारे चार्ट में अगर चेक करो जो डायग्राम है, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन दिया गया, बट दैट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ठीक है दो 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 चल रहा है, वो लोग बैलेंस नहीं करते हैं, खाली इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो दिखाते हैं। ठीक है,
अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, सो मैं अगर 2e के बदले एक ही इलेक्ट्रॉन भी लिखूं तो भी समझ जाना कि वो सेम थिंग हो रहा है, ओके okay? चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब UQH2 ने किसको दिया इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक सब क्लियर है ना? बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है ना सब कुछ? गुड, चलो सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? अब अपन थर्ड फ्लोर पे कौन कौन बैठा है उसका पहले नाम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड फ्लोर पे कौन कौन बैठा है? हाँ बोल बोल सर। ये यूबीक्विनोन क्या प्ले करता है, कौन सा रोल प्ले करता है? ओके ओके, जितने लोग भी हैं, ये जितने लोग भी हैं सबका काम बोलू क्या है, इलेक्ट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन पास कर दो, इलेक्ट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन पास ऑन कर दो, बस सबका यही काम। क्लियर? यस सर, थैंक यू। यानी सर आगे जाते हर एक फ्लोर पे कोई ना कोई यूबीक्विन बन के बैठा होगा? क्या क्या बैठेगा? अरे आने वाले हर एक फ्लोर पे कोई ना कोई यूबी क्वीन होगा। यूबी, हाँ करेक्ट करेक्ट, ऐसा कोई ना कोई तुझे मिलेगा फ्लोर के बीच में मिलेगा, करेक्ट। ठीक है एक मिनट, एक मिनट। Yes, students. So I hope अब तक सब कुछ क्लियर है। So now मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि थर्ड फ्लोर पे कौन कौन रहता है जो अब इलेक्ट्रॉन लेगा देगा लेगा देगा लेगा देगा लेगा देगा। समझ में आ रहा है? लेगा देगा से समझ में आया कुछ है ना? So yes. अब क्या करूंगा, ये देखो स्टूडेंट्स, यू क्यू एच टू अपने इलेक्ट्रॉन जो अभी अभी उसको मिले उसको इसको देगा, इसको देगा। कौन है ये, नाम लिखता हूँ चेक करो। So इसको मैं बुलाता हूँ साइटोक्रोम सी वाई टी लिख रहा हूँ, ठीक है, साइटोक्रोम बी। क्या बोलता हूं इसको मैं, साइटोक्रोम बी। फुल फॉर्म लिखो आपके लिए, ये फुल फॉर्म है साइटोक्रोम बी। किसी ने बहुत पहले मेरे को इसके बारे में पूछा था साइटोक्रोम क्या है, तो साइटोक्रोम मेरे को याद नहीं आ रहा किसने पूछा था, बट साइटोक्रोम बी इज अ मीडिएटर नाउ। क्लियर है ये? बताओ स्टूडेंट्स क्लियर है ये? यस सर। यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके चलो आगे चलते हैं, लेट अस प्रोसीड अहेड। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर यूक्यू ने, अगर यूक्यूएच2, ठीक है, यूक्यूएच2 मतलब क्या, रिड्यूस्ड फॉर्म था, कब रिड्यूस हुआ, इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद। बट अब तो वो बोलता है अरे मैंने तो इलेक्ट्रॉन वापस दे दिया, आगे पास ऑन कर दिया, तो अब तो मैं रिड्यूस नहीं हूं। आप भी अग्री कर रहे हो उसके साथ? यस सर। यस है ना, इलेक्ट्रॉन मिला तो वो रिड्यूस हो गया, लेकिन उसने इलेक्ट्रॉन तो इमीडिएटली आगे भेज दिया। ये देखो यहाँ किसको दे दिया, साइटोक्रोम बी को दे दिया। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हाँ करेक्ट बात है, तू वापस अब बन गया यू क्यू। देखो एरो ये वाला समझा जो मैंने अभी एरो बनाया? यस सर। ये एरो जो मैंने बनाया समझ में आया? यस सर। ये देखो ये देखो ये देखो वापस बताता हूँ। देखो यू क्यू को इलेक्ट्रॉन मिला तो बन गया यू क्यू एच टू। यू क्यू एच टू अपन क्यों बताते हैं, हाइड्रोजन मत देखो वहां, ये समझो कि जब हाइड्रोजन आपको देखना ही नहीं, आपको ये समझना है कि जब यूक्यू को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो वो बन जाता है रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ यूक्यू। तो रिड्यूस्ड फॉर्म ऐसे बड़ा सा लिखूंगा, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ यूबीक्विनोन, ऐसे लिखने से बेटर है, हम उसको एक्सप्रेस करते हैं यूक्यूएच2। तो अगर मैं यूक्यूएच2 लिखूं मतलब समझ जाओ रिड्यूस्ड फॉर्म। ओके तो अब वो रिड्यूस्ड फॉर्म क्यों बना था, इलेक्ट्रॉन मिलने की वजह से बना था। अगर उसने अपने इलेक्ट्रॉन आगे पास ऑन कर दिए साइटोक्रोम बी को, तो अब क्या उसके पास इलेक्ट्रॉन है क्या, बताओ? नो सर, नहीं है ना। तो अब जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डोंट यू थिंक उसको वापस वो यही कहलाएगा यू क्यू, क्योंकि अब तो वो रिड्यूस नहीं रहा, अब तो इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है,
बता, अब समझ में आया? अब समझ में आया? यस सर। ओके चलो, तो साइटोक्रोम बी को मिल गया इलेक्ट्रॉन, फटाफट भागते आगे, ठीक है। साइटोक्रोम बी किसको देगा? सेम आदमी दिख रहा है मेरे को, सेम आदमी, कौन सा सेम आदमी चेक करो आप, और उसका इसका नाम बताओ मुझे, क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका? आयरन सल्फर प्रोटीन। वेरी गुड, आयरन सल्फर प्रोटीन, ये भी थर्ड फ्लोर पे ये भी रहता है, डुप्लीकेट है इसका थर्ड फ्लोर पे। देखो फिर इसने आगे कहाँ ट्रांसफर किया, इसने आगे ट्रांसफर कर दिया, इसने आगे ट्रांसफर कर दिया साइटोक्रोम सी वन को, किसको दे दिया? साइटोक्रोम सी वन। चेक करो आयरन सल्फर प्रोटीन ने किसको इलेक्ट्रॉन दे दिया? साइटोक्रोम सी वन को, साइटोक्रोम सी वन, साइटोक्रोम सी वन, साइटोक्रोम सी वन। बताओ समझ में आ रहा है आपको अब तक? यस सर। समझ में आ रहा है? अब तक क्या क्या मैंने एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। बाहर से मेरे पास कौन आया कमाई करके, फॉरेन से कमाई करके कौन आया है? एनएडीएच प्लस एच प्लस, ठीक है। एनएडीएच प्लस एच प्लस ने कुछ तो दे दिया बैंक में और वापस बन गया एनएडी प्लस, बन के चला गया वापस से कमाई करने के लिए। हम बैंक में आके चेक की तो उसने क्या दिया था, एक्चुअली टू इलेक्ट्रॉन। हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि वो हाइड्रोजन कहाँ गए यार जो ये लेकर आया था, इसने तो खाली इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन तो दिया ही नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन की पहले किस्सा सुन लेते, इलेक्ट्रॉन की कहानी जान लेते हैं, फिर चेक करेंगे हाइड्रोजन का क्या हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे चलते हैं। सो एफएमएन को इलेक्ट्रॉन मिला, एफएमएन किसको दिया? एफईएस को दे दिया, एफईएस किसने किसको दिया? ये दोनों फर्स्ट फ्लोर पे थे, इन्होंने उठा के दे दिया यूक्यू को, यूबी क्विनोन को, जो ना फर्स्ट फ्लोर पे ना सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर कहीं भी नहीं, बस इनर मेम्ब्रेन पे बैठा है, यहीं वहीं कहीं तो घूम रहा है। जैसे इसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वो बन जाता है रिड्यूस्ड फॉर्म। अभी पहले किस्सा सुन लो, टेक्निकली मैं आपको बोल के सुनाऊंगा कैसे आपको बोलना है, ठीक है। फर्स्ट लिसन टू मी प्रॉपरली, आपको मुझे इसी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है पहले, ओके। यूक्यू को इलेक्ट्रॉन मिलते हुए बन गया रिड्यूस्ड, बट इसने इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन दे दिया साइटोक्रोम बी को और वो वापस बन गया ऑक्सीडाइज्ड, वापस बन गया ऑक्सीडाइज्ड, करेक्ट। साइटोक्रोम बी कहाँ पे है? थर्ड फ्लोर पे, कॉम्प्लेक्स थ्री में बैठता है साइटोक्रोम बी। कॉम्प्लेक्स थ्री में साइटोक्रोम बी है, जिसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं उसने इलेक्ट्रॉन पास ऑन कर दिया एफईएस को, जिसने इलेक्ट्रॉन पास ऑन कर दिया साइटोक्रोम सी वन को, साइटोक्रोम सी वन को। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है स्टूडेंट्स? बताओ स्क्रीनशॉट लिया सब? यस सर। यस सर, आई हैव अ डाउट। हाँ कुछ कुछ। So you said that when we accept electrons, we become reduced, that is H2 comes. So sir, this way every mediator is accepting na? So why they are not getting H2? Yes, शाबाश। तो हाँ, तो you can write FMnH2, बहुत सारे books में FMnH2 लिखते हैं Rebecca, बहुत सारे book में ऐसे लिखा गया है, FMn को electron मिलते बन जाता है FMnH2, एकदम correct है, you can apply that on all of the things, but रीजन वाई आई एम नॉट राइटिंग इन दैट फॉर्म इज बिकॉज मेरे बोर्ड्स की बुक में भी और मेरे एनसीईआरटी में भी सिर्फ एफएमएन लिखा गया है, दे हैव नॉट शोन रिड्यूस्ड फॉर्म। समझ में आया? समझ में आया? अब मुझे सिर्फ इस, हाँ हाँ, ये देख देख, ये सेम चीज मैं एक और फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, तब तुझे दोनों चीजें समझेगी। अच्छा रिड्यूस भी हो रहा है, ऑक्साइज भी हो रहा है, मतलब हर स्टेप पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। तो इट इज लाइक ऐसा कुछ, ये देख रेबेका, ऐसा कुछ है कि रेबेका ने मुझे पैसे दिए, मेरे बाद खड़ी है प्रिया, प्रिया के बाद खड़ा है रमीज, रमीज के बाद खड़ा है जिगर, जिगर के आगे खड़ी है मे बी अश्विनी खड़ी है, उसके आगे खड़ी है ज्योतिका, उसके आगे खड़ी है अद्रिता, उसके आगे खड़ी है प्रिया, तो बहुत सारे लोग खड़े, प्रिया डबल बार हो गई, ऐसे बहुत सारे लोग लाइन से खड़े। तो जैसे ही मैंने पैसे एक्सेप्ट किए रेबेका से, तो मैं बन जाऊंगा रिड्यूस्ड, फिर मैंने अपने बाजू वाले को दे दिया तो मैं बन गया ऑक्सीडाइज्ड, बाजू वाले ने पैसे लिए तो वो बन गया रिड्यूस्ड, फिर उसने अपने बाजू वाले को पैसे दे दिए तो वो बन गया ऑक्सीडाइज्ड। समझ में आ गया? हर स्टेप पे हर आदमी का, हर मीडिएट का, यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा वो बन जाता है रिड्यूस्ड, जैसे इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा वो बन जाता है ऑक्सीडाइज्ड। अब अपना क्वेश्चन अगर ये है कि यूबी क्विनोन के लिए ही खास आपने क्यों दिखाया ये, बाकी लोगों के लिए क्यों नहीं दिखाया, तो उसका एक रीजन है क्यों इसके लिए हम दिखा रहे हैं, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स टू में भी ये सेम मीडिएट करेगा, कॉम्प्लेक्स टू में भी। अभी अगर मैं इसके आगे तुझे दिखा दूं, ठीक है, अभी इस केस में कैसा है, एफएमएन के बाद कौन है, एफईएस प्रेजेंट है, मेरे यूबी क्विनोन का रिड्यूस होने के बाद उसको डायरेक्टली यूक्यू से अगर मैं एरो लेकर जाऊं साइटोक्रोम बी पे, तो तुझे कहां समझा कि यूक्यू भी रिड्यूस हुआ था? समझ में आ रहा है? हेलो, यू आर ऑडिबल? यस सर। यस सर, अंडरस्टूड रेबेका? समझा?
सर वो मुझे वो नहीं समझा कि आपने स्पेशली क्यों उसको ये रिड्यूस दिखाया था। ओके मैं खाली इसका इतना आंसर दे सकता हूँ कि ये हम सबको दिखा सकते हैं, बट खाली तुम्हारे बुक में इसको ही दिखाया गया, इसलिए मैं भी इसको ही दिखा रहा हूँ। ठीक है okay, जो पुराना सिलेबस था ना, जो अब चेंज हो गया है, पुराना जो सिलेबस था जो अब चेंज हो गया है, उसमें हर किसी को दिखाया गया था रिड्यूस फॉर्म में, हर किसी को दिखाया गया था। बट ये नए बुक में एनसीईआरटी में भी और तुम्हारे बोर्ड की बुक में तो एनसीईआरटी का ही कॉपी पेस्ट किया है इमेज, तो उसमें भी सिर्फ यूबी कुनोन को दिखाया गया, बाकी किसी को भी नहीं दिखाया गया। ठीक है ओके सर थैंक यू। ओके तो आई गेस आपने अब तक हाफ पेज ही अपना यूज किया है, मतलब अगर वर्टिकल वाइज जाऊं तो, लेंथ वाइज जाऊं तो। ठीक है तो अभी और इसके नीचे कॉम्प्लेक्स 2 भी आने वाला है, कॉम्प्लेक्स 2 की बिल्डिंग आने वाली है, और उसके नीचे कॉम्प्लेक्स 4 की बिल्डिंग आने वाली है, उसके नीचे F1 पार्टिकल की बिल्डिंग आने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप उतना स्पेस आप बचा के रखोगे, उतना स्पेस आप बचा के रखोगे। आप सबको जो मैंने इमेज भेजा था वो मिला है, ग्रुप पे चेक करो। यस सर वो इमेज ओपन करो, वो इमेज ओपन करो। अरे सर वो इमेज तो बहुत पहले भेजा था ना, अभी तो बहुत पहले भेजा था, करेक्ट है। एक मिनट मैं काम करता हूँ, वो इमेज वापस। वो एनसीईआरटी का इमेज था ना? हाँ एनसीईआरटी का इमेज था, एनसीईआरटी का ही इमेज था। रुक जा डोंट वरी, मैं वापस भेजता हूँ इमेज, डोंट वरी। ओके आ गया सर, मैंने भेज दिया रिटर्न। हाँ यस यस यस, मुस्कान ने भेज दिया, नेहा ने भेज दिया। कांदिवली ग्रुप पे मैं भेज दूं? सर कांदिवली ग्रुप में भेज दिया, वहाँ पे भी भेजा, यहाँ पे भी आ गया। चलो गुड, चलो अभी एकदम देखो आपको समझ रहा है आप कहाँ हो, आप ग्रीन वाले बॉक्स में हो, चेक करो स्टूडेंट्स, ग्रीन वाले बॉक्स में अपन पहुंच गए। देखो दिख रहा है आपको, सबको दिख रहा है ग्रीन वाला बॉक्स? एक काम करता हूँ मैं इसको निकालता हूँ इमेज को। सर मेरे को बॉक्स नहीं, ब्रैकेट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? बॉक्स नहीं, ब्रैकेट जैसा कुछ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुझे ग्रुप पे देखना था, स्क्रीन पे नहीं। ठीक है अभी यहाँ देखो, चलो ये NADH+ ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, ये क्लियर फोटो नहीं है यार। और कोई सर मैं भेजू आपको डॉक्यूमेंट फॉर्म में? हाँ भेजना, ग्रुप में भेज दे। सर एक डाउट है। हाँ पूछ। सर ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस में ये 4H कैसे आया? रुक जा मैं तेरे को बताता हूँ उसके बारे में, उसका टेंशन मत ले, मैं तुझे एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है ओके। हाँ अपने को पहले ATP तक पहुंच जाना है, F1 पार्टिकल तक, देन इसके इसका वाला अपन किस्सा भी देखेंगे। ठीक है डोंट वरी। अक्षय ने भेजा है। ओके यस यस, तो अभी सब लोग एक बार चेक करो स्टूडेंट्स, जो स्क्रीन पे अब आपको दिख रहा है इमेज, एक मिनट। हाँ ये देखो, ये एक बार चेक करो, शायद इसमें आपको क्लियरली दिखे। नहीं सर सेम ही फोटो है सर, क्योंकि वो आपने जो भेजा था वैसे ही है वो भी। कोई बात नहीं, मैं ओरली बोलते रहूंगा क्या दिखना चाहिए, तो आप वही देखते रहना। ठीक है मैं लेजर यूज कर रहा हूँ, लेजर चेक करो मेरा। ठीक है तो यहाँ पे FMN आ गया स्टूडेंट्स, चेक करो FMN से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, आगे गया FES के पास, FES ने प्लेट इलेक्ट्रॉन भेज दिया। अपन कहाँ घूम रहे हैं, कॉम्प्लेक्स 1 में घूम रहे हैं, करेक्ट, यहाँ पे 1 लिखा गया है देखो। देन यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है यूबीक्विनोन के पास, यूबीक्विनोन से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जाता है, उसको रिड्यूस बना दिया, इसलिए मैं बोलता हूँ यूबीक्विनोन H2 UQH2 मैं दिखाया मैंने। फिर वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के आता है साइटोक्रोम बी के पास, दिख रहा है यहाँ पे साइटोक्रोम बी सबको, साइटोक्रोम बी दिख रहा है। ओके वहां से इलेक्ट्रॉन गया FES के पास, इलेक्ट्रॉन सॉरी आयरन सल्फर प्रोटीन के पास चला गया, वहां से चला गया साइटोक्रोम C1 के पास, ये साइटोक्रोम C1 है। क्लियर स्टूडेंट्स, साइटोक्रोम C1 यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके वेरी गुड आगे चलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स कहां जाता है? बाहर, कॉम्प्लेक्स 3 के बाहर। अगेन कोई फ्लोर पे नहीं, अपन यहाँ वहां कहीं तो घूमते हैं, अंदर इनर मेम्ब्रेन पे कौन घूम रहा है? साइटोक्रोम सी घूम रहा है। कॉम्प्लेक्स 3 में कौन था? साइटोक्रोम C1 था, करेक्ट।
एंड बाहर कौन दिख रहा है मुझे, साइटोक्रोम सी खाली दिख रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी के पास था, साइटोक्रोम सी इसको कहां लेकर गया, कहां लेकर गया, कहां लेकर गया, कहां लेकर गया, चेक करो, लेकर आया यहाँ पे, यहाँ से उसने इसको कॉम्प्लेक्स फोर के अंदर, कॉम्प्लेक्स फोर के अंदर डाल दिया। कॉम्प्लेक्स फोर मतलब रेड वाला बॉक्स चेक करो स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स फोर के अंदर कहाँ डाला पता है, सी यू के पास। सी यू मतलब क्या, कॉपर, ठीक है, क्या बोलोगे आप, कॉपर के पास दे दिया। देखो बायो मॉलिक्यूल्स में आपके बॉडी में स्टूडेंट्स मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मुझे हर जगह कहीं ना कहीं आयरन, कहीं सल्फर, कहीं कॉपर दिखाई ही देगा, ठीक है। सो साइटोक्रोम सी के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, कॉपर के पास गए। कॉपर के पास से कहाँ गए, अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स चेक करो, यहाँ पे देखो मैं एरो बना रहा हूँ, ठीक है, एरो बना रहा हूँ, ये वाला जो है, वेट वेट आई विल चेंज कलर, आई विल चेंज कलर नाउ, ये चेक करो, एरो दिखा आपको, ये जो एरो है यहाँ पे है साइटोक्रोम ए, कौन है, साइटोक्रोम ए। देखो मैं बाजू, मैं स्क्रीन पे भी लिखता हूँ, ठीक है, कॉपर से कहाँ गया, वेट, साइटोक्रोम सी से कहाँ गया स्टूडेंट्स, कॉपर के पास, कॉपर से कहाँ गया, साइटोक्रोम ए के पास। साइटोक्रोम ए से कहाँ गया दिख रहा है आपको, ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा ब्लर इमेज है, साइटोक्रोम ए थ्री के पास, ठीक है, साइटोक्रोम ए थ्री के पास, और वहां से कहाँ जाएगा, फिर से चला जाएगा कॉपर के पास, ये दूसरा कॉपर है, ये सेम कॉपर नहीं है, ठीक है, ये चेक करो, ये चेक करो स्टूडेंट्स, ये वापस से आ गया कॉपर के पास, चेक करो। तो जो इतनी बातें हैं यहां से लेकर यहां तक जो है, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है मुझे कौन बताएगा, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, फोर, दिस कॉम्प्लेक्स फोर, शाबाश, ये है कॉम्प्लेक्स, लास्ट वाला कॉपर है वो तो अलग कॉपर होगा ना, आपने बोला अलग कॉपर है, अलग अलग अलग, दोनों सेम नहीं, अलग अलग है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है सबको, सर फिर से एक्सप्लेन कर देना, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ मैं, खाली मैंने अभी फ्लो बताया है, ठीक है। सो साइटोक्रोम सी वन जो मुझे ग्रीन बॉक्स में दिख रहा है, मैं ग्रीन कलर में लिखता हूँ उसको, चलो ये रहा साइटोक्रोम सी वन, वहां से इलेक्ट्रॉन गया साइटोक्रोम सी के पास, साइटोक्रोम सी जो कि बाहर है ग्रीन बॉक्स के जस्ट नीचे एंड बाहर है ना, साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, कॉपर के पास जो कि अंदर है, कॉम्प्लेक्स फोर के अंदर है, कॉपर से कहाँ गया साइटोक्रोम ए, वहां से कहाँ गया साइटोक्रोम ए थ्री, वहां से कहाँ गया फिर से कॉपर के पास, एंड कॉपर के पास से कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास, दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स, आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, ये देखो यहाँ रेड सर्कल देखो मेरा, यहाँ दिख रहा है ऑक्सीजन, अब मैं डिलीट करता हूँ इसको रेड सर्कल को, तो आपको समझ में आया कहाँ मैं बात कर रहा हूँ, हाँ सर वो हाँ दिखाई दिया आपको, ये देखो ये रहा ऑक्सीजन स्टूडेंट, दिखाई दिया, ये कौन सा ऑक्सीजन, एक मिनट रुक जा रुक जा, एक मिनट रुक जा, ये जो ऑक्सीजन स्टूडेंट, ये कहाँ से आया ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कहाँ से आया बताओ, ये ऑक्सीजन कहाँ से आया कोई बता पाएगा मुझे, लंग्स से, वेरी गुड, ये जो आपने इनहेलेशन किया है ये वही ऑक्सीजन है, रिमेम्बर ईटीसी पाथवे तभी चलेगा जब आप सांस ले रहे हो, आप बोलो नहीं मैं साथ में मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है तो ईटीसी पाथवे नहीं चलेगा, ईटीसी पाथवे नहीं चलेगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन, कैन आई से बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन आई कॉल इट एज एरोबिक रेस्पिरेशन, कैन आई से दैट स्टूडेंट्स, कैन आई से दैट, ओनली बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन, आई विल रिपीट डोंट वरी, ये जो कॉपर है, कॉपर ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए ऑक्सीजन को, यहाँ पे है ऑक्सीजन दिख रहा है, वेट एक काम करूं मैं, ये अपने पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये फ्लो का स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके पहले भी किसको डाउट था ना, किसी लड़के ने पूछा था डाउट, यस सर मैंने पूछा, हाँ पूछ डाउट क्या तेरा, सर वो रेड बॉक्स के बाहर जो ऑक्सीजन है, हाँ? वो हाफ ऑक्सीजन क्यों दिया, ओके अंडरस्टूड, मैं ये डाउट पे अभी क्लियर, वो बोल है क्या मतलब, अभी क्लियर, नहीं 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 रुक जा रुक जा, हाँ 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 यस यस यस, बट आई क्लियर वाई हाफ, आई क्लियर यू वाई हाफ, ठीक है गिव मी सम टाइम, हाँ अभी जिसको नहीं समझा उनके लिए मैं थोड़ा जूम करके वापस से फ्लो समझा देता हूँ, ठीक है, और भी किसी ने अभी बोला था ना नहीं समझा, किसी लड़की ने बोला नहीं समझा, देवांशी ने, किसने बोला नहीं समझा, ओके सृष्टि, ठीक है, तो अभी तुझे कौन सा पार्ट नहीं समझा बता मुझे, सिर्फ ऑक्सीजन वाला नहीं समझा, ऑक्सीजन वाला, ओके नो प्रॉब्लम, सो इतना समझ में आया सृष्टि कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो आया कॉपर के पास, ये देखिए यहाँ पे कॉपर के पास आया,
ये इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं ऑक्सीजन के पास, इतना क्लियर है ये? सर वहां पे क्या लिखा है, कॉपर वन लिखा है, कॉपर टू लिखा है, कुछ दिख नहीं रहा है। वो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में लिखा है, मैं तेरे को रुक जा, तुझे और क्लियर इमेज भेजता हूँ। लेट मी सर्च, और क्लियर इमेज है क्या ईटीसी का? ठीक है, ये बहुत ही ब्लर सर, है। मैंने एनसीईआरटी का भेजा क्लियर इमेज अभी पीडीएफ का ग्रुप पे। ओके एक मिनट, अरे नहीं यार ये भी वैसे ही आ रहा है, रुक जा रुक जा, मेरे पास एक बेटर ऑप्शन है। ओनली फ्यू पीपल आर लकी देन ओनली, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं। ठीक है सर, गूगल पे भी मिल जाएगा? हाँ 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 समझा मुझे, गूगल पे जनरली कैसा रहता है कि इसी का ये देते हैं ईटीसी इमेज पाथवे। ठीक है सर, उस पे एनसीईआरटी जैसा एकदम सेम इमेज नहीं। हाँ उसमें जो इमेजेस है वो पुराने वाले, जो रेबेका को चलेगा, रेबेका को समझ में आ जाएगा वो इमेजेस जो नेट पे है ना, वो देखेगी क्यों खाली इसी को नहीं सबको अपन दे सकते हैं वैसा, बट इस केस में खाली इसी को लिखा गया है। ठीक है अभी के लिए काम करो, तुम्हें वो टेंशन का पेज नंबर क्या है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आप लोग उसका टेंशन मत लो, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। सर मुझे मिल गया क्लियर। हाँ ठीक है, गुड गुड, ग्रुप पे भेज दे। आप लोग इस पे ध्यान दो कि ये कॉपर है जो जहां से चीजें आगे चली जाएंगी और जाके मिल जाएंगी ये ऑक्सीजन को। ठीक है, और ये कौन सा ऑक्सीजन है सृष्टि? दिस इज द सेम ऑक्सीजन विच इज विच विच यू आर इनहेलिंग ड्यूरिंग ब्रीदिंग। समझ में आया? ये वही ऑप्शन है। अभी रमेश ने पूछा कि ये हाफ क्यों है, ये हाफ इसलिए है कि मैं इसको बैलेंस्ड फॉर्म में दिखा पाऊं H2O। समझा रमेश? अगर तू इसको बोलता है चल O2 में लेना चाहता हूँ O2, तो फिर तू ऐसे दिखाना तेरा प्रोडक्ट ट्वाइस ऑफ H2O, जो यहाँ पे H2O खाली लिखा है उसको बोले ट्वाइस ऑफ H2O। समझा? खाली बैलेंसिंग पर्पज के लिए, नो अदर रीजन। समझा रमेश? और कुछ भी रीजन नहीं है। ओके सर, और दूसरी बात, दूसरी बात, अगर आप लोग में से काफी लोगों ने ये ऑलरेडी रियलाइज कर दिया रहेगा, और काफी लोगों को अब मैं रियलाइज करवाता हूँ, ट्राई टू इमेजिन कि ये जो 2H+ दिख रहा है आपको ऑक्सीजन के बाजू में, ये कहां से आया 2H+? 2H+ NADH। हाँ शाबाश, ये वही प्रोटॉन है जो NAD+। ये देखो ये वाले प्रोटॉन हमने छोड़ दिया था मैट्रिक्स में ही, मतलब इनर मेम्ब्रेन के अराउंड, तो ये वही प्रोटॉन है जो यूज होते हैं वाटर बनाने के लिए। करेक्ट है स्टूडेंट्स? समझ में आया? अब देखो एक और बात ध्यान रखो, मेरा एक और बात ध्यान रखो, अभी थोड़ी देर पहले रमीज ने भी क्वेश्चन पूछा, आई थिंक किसी और ने भी ये क्वेश्चन पूछा था कि ये जो यहाँ पे इस साइड दिख रहे हैं अपने को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, ये सारे कौन है? 4H कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये लोग कहाँ से आ गए? तो स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या मेरे मैट्रिक्स में खाली एक ही NADH+H+ है या बहुत सारे हैं, क्या एक ही FADH2 या बहुत सारे हैं? बहुत सारे हैं। तो ये जो दिखा रहे ना ये लोग, You don't have to count, exact counting नहीं करनी है, because ये एक random figure दिखाया गया जैसे proportional, ताकि आपको समझ में आए। सर आप बोल, चेक करो वो वाला image, अगर आपको अच्छा लगता है तो पूरा क्लियर है, मैंने भेजा। ओके ठीक, हाँ हाँ, कॉपर ए कॉपर बी करेक्ट। ठीक है सर, ये देखो जो उसने भेजा है वो मैं भेज देता हूँ आपके कांदीवली वाले ग्रुप में भी, मुरली कांदीवली। ठीक है ये देखो मैंने भेजा, सुन वाओ, ये किसने भेजा, ये भी सुपर इमेज भेजा, बहुत मस्त इमेज भेजा। हाँ अब सब लोग इमेज का छोड़ दो, इमेज के पीछे हाथ धो के मत पड़ जाओ, एक छोटी सी चीज के लिए आप लोग एक्सप्लेनेशन छोड़ के वहां ध्यान दे रहे हो। हाँ बोल दो, FADH2 तो एक ही है ना, लेकिन
करेक्ट है, बट वो एक साइकिल के लिए तू पढ़ रही है ना, एक साइकिल के लिए तू पढ़ रही है, राइट है ना? हाँ, हाँ. एक भी नहीं, दो होता है, बट ऐसे तो कितने सारे साइकिल होते होंगे, समझा? तो मेरा खाली बोलने का ये मोटिव है कि लेट अस नॉट ट्राई टू इक्वेट दीज 4H+4H+2H+ एक का किससे क्या मिला, किससे कहां से मिला, उसका इक्वेशन अभी नहीं करते हैं, बिकॉज उन्होंने भी यहाँ पे उसका इक्वेशन नहीं किया है. तो जस्ट रैंडमली पुट हाफ फोटो 2H+ एंड गिवन यू H2O. सो यू डोंट हैव टू फोकस ऑन दैट, यू हैव टू फोकस ऑन द ट्रांसपोर्ट रूट, कौन कहां से कहां तक जा रहा है, इस पे आपको फोकस करना चाहिए अभी के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स? और आधे से ज्यादा बच्चों ने तो इस पे फिर फोकस छोड़ के इस पे फोकस कर चुके हैं ऑलरेडी कि कौन सबसे बेस्ट इमेज निकाल के दे देगा ग्रुप पे, है ना? और बहुत लोगों ने इस पे भी अपना अच्छा खासा टाइम निकाल दिया है, वेरी गुड. चलो यहाँ तक बात क्लियर है स्टूडेंट, सबको समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर. सबको समझ में आ गया यहाँ तक? यस यस यस. पूछो सर, इफ हाफ मींस ऑक्सीजन इज कम इन डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर देन व्हाई डिडंट कम इन फर्स्ट एंड third one is directly okay. Have it entered here. Understood. Now, as I said, ये देख रहे बेका, अभी कैसा होता है कि हमको ये पाथवे पता चला कि ऐसा कुछ तो बॉडी में होता है, एंड देन वी स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग कि किसके बाद कहां गया, किसके बाद कहां गया, किसके बाद कहां गया, अंडरस्टूड? तो वो फिजियोलॉजी के हिसाब से, तेरे बॉडी के हिसाब से जो हो रहा है वही उनको पता चला और वही उन्होंने बताया. तो उनके हिसाब से उन्होंने क्या बोला, जो लास्ट स्पीशी है जो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो कौन है, तो उनको पता चला वो कॉपर है. And that copper is different than this copper. ये देखो दो copper दिख रहे हैं मुझे, एक ये यहाँ पे दिख रहा है, wait I will use some other color, एक यहाँ पे दिख रहा है copper, एक यहाँ पे दिख रहा है. तो दोनों को इसलिए A B कहीं पे A A कहीं पे B A ऐसा अलग अलग form में लिखा गया है, कहीं पे capital A small A ऐसा लिखा गया है, just to express कि both are different coppers. And they identified कि एक copper is the last acceptor जहाँ से जाता है electron के पास. So उनको वैसे ही मिला, इसलिए उन्होंने ऐसे ही दिखाया है. If we और बाकी भी उन्होंने सीक्वेंस दिखाए हैं कि साइटोक्रोम बी से ऑक्सीजन के पास नहीं गया तो कहाँ गया, आयरन सल्फर प्रोटीन के पास गया. वहां से कहाँ गया, ऑक्सीजन के पास गया क्या, नहीं, वहां से किसी और के पास गया. वो कौन है, वो है साइटोक्रोम C1, अंडरस्टूड? फिर वहां से कहाँ गया, ऑक्सीजन के पास गया क्या, नहीं, तो कहाँ गया, तो हमको मिला साइटोक्रोम C. समझ में आया? So, sir, means they took into account the last mediator, na? नहीं, this is what they got. Therefore, they reported this to you. Understood? यही है, यही से ऑक्सीजन के पास जाता है. This is what they got in their research. And this is what you have to write every single time. कि yes, copper के बाद चला जाता है electron के पास. Copper के बाद जाता है oxygen. Sorry, oxygen के पास जाता है. This is the last acceptor. Complex 4 is the last acceptor. यहाँ से electrons चले जाएंगे oxygen के पास. Who is the last acceptor of electron? और ये half क्यों दिखाया? Just for the balancing purpose. मैं इसको 4O2 भी दिखा सकता हूँ, 10O2 भी दिखा सकता हूँ, 100O2 भी दिखा सकता हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल. बट जस्ट टू सिंप्लीफाई द इमेज की H2O यहाँ पे लिख दे हम, तो H2O के लिए कितना ऑक्सीजन ले, तो हाफ ले लो, यहाँ पे 2H+ ले लो, बना दो H2O. समझाइए? यस सर, थैंक यू. ओके, नाउ वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग. इस सब झमेले में हम तो ये भूल ही गए कि बाप रे FADH2 भी तो है पिक्चर में. कौन है स्टूडेंट्स? FADH2 भी तो है, याद आ रहा है, याद आ रहा है आपको? yes, FADH2 है. तो yes, ये देखो यहाँ पे लिखा गया है सक्सिनेट से बन रहा है फ्यूमरेट. याद है क्रेब्स साइकिल का ये स्टेप, सक्सिनेट से फ्यूमरेट, वहीं पे बनता है FADH2 इफ यू रिमेम्बर. ऑडियो म्यूट प्लीज, ऑडियो म्यूट जिगर. सो वहीं पे जहाँ पे FADH2 बनता है स्टूडेंट्स, अब वहां पे कॉम्प्लेक्स 4 के जस्ट बाहर मैट्रिक्स की तरफ स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स में ना कि इनर मेम्ब्रेन पे. तो जो मैंने ब्लू सर्कल बनाया वो मैट्रिक्स वाले रीजन में घूम रहा हूं मैं, ठीक है? तो देखो यहाँ चेक करो, चलो यहाँ चेक करो, ये रहा मैट्रिक्स का रीजन जहां पे सक्सिनेट कन्वर्ट हो रहा है फ्यूमरेट पे, और इसी स्पेस पे आई एम श्योर फिर से इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे जो FAD दे देगा. किसको दे देगा? आयरन सल्फर प्रोटीन को. और वहां से चलेगा फिर से घूमता फिरता आदमी जो चीज यूबीक्विनोन. चेक करो, आपको दिख रहा है स्टूडेंट, सबको दिख रहा है ये यूबीक्विनोन के पास आ गया. यूबीक्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन मिला तो बन गया यूबीक्विनोन H2 रिड्यूस फॉर्म बन गया, और उसे इलेक्ट्रॉन दे दिया अपना साइटोक्रोम बी को. फिर से रास्ता सेम चलता रहेगा. चेक करो वापस, सेम जर्नी. इज अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ये समझ में आया? सर एक और बार थोड़ा बहुत वो कॉम्प्लेक्स से आप समझा दो, समझ जाएगा.
नो प्रॉब्लम मैं पूरा वापस समझाता हूँ, कोई टेंशन की बात ही नहीं। अगर आपको नहीं समझाए तो वापस समझाता हूँ, ठीक है? ये चेक करो, आपको ये कोई एक बात बताओ, आपको ये समझा NADH से पूरा स्टोरी समझ में आया, कैसे हम आगे कॉम्प्लेक्स फोर कैसे बना गए ऑक्सीजन तक, पहले ये बताओ, ये स्टोरी समझ में आई? यस, वेरी गुड। तो ये जो रेलवे ट्रैक मैंने बनाया है ये सेम यूज करना है सृष्टि, सेम यूज करना है, ओनली डिफरेंस इज, रुक जा, वापस बना के दिखाता हूँ। ये देख FMN, ये अपना NADH से स्टोरी ऐसे शुरू हुई थी, ऐसे 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 ये रास्ता लेते हुए ऐसे में चले गया था ऑक्सीजन के पास, ये क्लियर है? अब ये सेम रूट में यूज करने वाला हूँ, ठीक है, सेम रूट में यूज करूंगा, बट स्टार्ट कहाँ से करूंगा? FMN से स्टार्ट नहीं करूंगा, नया आदमी मैंने ले लिया, कौन? ये देख, रिएक्शन मैंने याद किया, कौन सा रिएक्शन याद किया? सक्सिनेट से फ्यूमिनेट वाला जो होता है क्रेब्स साइकिल में ही, मैट्रिक्स के अंदर, ये दिखा, ये रिएक्शन है वो, ठीक है? तू अपने ग्रुप पे कोई इमेज आ रहेगा क्लियर वाला, वो इमेज देख ले, तुझे दिखेगा सक्सिनेट फ्यूमिनेट, इजिली दिख जाएगा वाइट बैकग्राउंड में। अंदर की बात है, यहाँ पे क्लियर है, देख इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो चीजें है ना वो यहाँ पे ज्यादा क्लियर है, इसलिए ये इमेज मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। बट यू हैव अ लुक एट द ग्रुप, ग्रुप में जो इमेज आया वाइट बैकग्राउंड वाला, कोई इमेज चेक कर ले, दिखा तुझे सक्सिनेट से फ्यूमिनेट कन्वर्जन दिखा? हाँ सर। शाबाश। सो वो कन्वर्जन के वक्त क्या बनता है याद कर, कैन आई से FADH2 बनता है? कैन आई से FADH2 बनता है? यस सर। वेरी गुड। वो FADH2 जैसे NADH ने यहाँ अपना H+ छोड़ के चला गया था, वैसे कैन आई अज्यूम FADH2 भी अपना H+ छोड़ के खाली इलेक्ट्रॉन दे देगा आगे, तो ये इलेक्ट्रॉन किसके पास गया? FAD से। ये देखिए रहा FAD, FAD के पास से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा? आयरन सल्फर प्रोटीन, दिख रहा है सृष्टि? आयरन सल्फर, फिर आयरन सल्फर प्रोटीन ने किसको दिया? यूबीक्विनोन को दिया। अभी ये FAD और आयरन सल्फर प्रोटीन कहाँ पे है? कॉम्प्लेक्स 2 पे है, ठीक है? ये देख ये कॉम्प्लेक्स 2 है, कौन सा रीजन? लेजर चेक कर मेरा लेजर, ये रीजन है कॉम्प्लेक्स 2, समझ में आया? कॉम्प्लेक्स 2 के बाहर कौन घूम रहा है? यूबीक्विनोन। जैसे ही उसको इलेक्ट्रॉन मिला वो क्या बन गया? रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ यूबीक्विनोन, करेक्ट? यस, वेरी गुड। और हमको तो पता है रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ यूबीक्विनोन किसको देता है अपने इलेक्ट्रॉन? साइटोक्रोम बी को। चेक कर, ये एरो से चेक कर, दिया उसने साइटोक्रोम बी को? दे दिया। हाँ, साइटोक्रोम बी को दिया। बस अब इसके आगे का स्टोरी सेम चलाएंगे, साइटोक्रोम बी किसको देता है? आगे 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 करते करते फिर से आ गया ऑक्सीजन के पास, समझ में आई बात? यस सर, यस। शाबाश, चलो सबको ये क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ पूछो सर। वो जब FADH2 H2 देता है तो वहां पे कॉम्प्लेक्स 2 में FAD क्यों दिखा है? FAD से दिखा है कि वापस FAD कन्वर्जन हो गया ना, FADH2 में से H निकाल दे, बचा क्या? FAD प्लस इलेक्ट्रॉन्स है ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? इलेक्ट्रॉन गया FES के पास, और FAD वापस से पार्टिसिपेट करेगा सक्सिनेट के साथ। ये देख, यहाँ दिखाऊं मैं, समझ में आया कि वापस दिखाऊं? नहीं सर, समझा। ओके चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है सबको? बताओ यहाँ तक बातें क्लियर है सबको? यस यस सर। व्हाई द 2 हाइड्रोजन्स केम नियर ऑक्सीजन? ओके, व्हाई द 2 हाइड्रोजन्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड बाय हाइड्रोजन, दैट इज व्हाट यू वांट टू आस्क। Why the 2 hydrogens are being utilized by oxygen? Yeah, why they are coming near oxygen? Yes, sir. Okay. Why they are coming near oxygen? See, actually, कैसा होता है कि while metabolism is going on in the cell, or I should say this particularly in the mitochondria, the water which is formed, ये जो H plus बना, that is proton. और जैसे ही electron मिलते हैं oxygen को, don't you think it will convert into O2 minus minus? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिला उसको, दो इलेक्ट्रॉन मिले उसको। ये देख, मैं स्क्रीन पे लिख के दिखाता हूँ तो ये समझ में आएगा। ये देख, खाली मैं O2 अभी अज्यूम कर लेता हूँ, तो ये देख, ये O2 है, ठीक है? ये रहा अपना कॉपर कॉम्प्लेक्स 4 का, इसने दिया अपने O2 को 2 इलेक्ट्रॉन सपोज। तो अब O2 कैसा दिखने लगेगा? कैन आई से O2 ऐसा दिखने लगेगा? माइनस माइनस, ये माइनस कहाँ से आया? ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस साइन है ना, एक्सेप्टेड। शाबाश। So, ये जो O2 है माइनस साइन के साथ, डोंट यू थिंक इट विल बी अट्रैक्टेड बाय द प्रोटॉन व्हिच इज आल्सो देयर इन द सेम रीजन? अट्रैक्ट करेगा ना प्रोटॉन को, माइनस साइन प्लस साइन, करेक्ट है? हाँ सर। एंड देयरफॉर बन जाएगा वाटर, एंड क्योंकि वाटर मेटाबॉलिज्म के वक्त बन रहा है तो इसको बुलाया जाता है
मेटाबॉलिक वाटर, क्या बोला जाता है इसको, मेटाबॉलिक वाटर, क्लियर है, बताओ सर। हाँ फिर से समझाता हूँ, फिर से समझाता हूँ, देख तू इमेज में चले जा, कॉम्प्लेक्स फोर के पास चले जा, ठीक है, ये देख मैं इधर बिल्डिंग बनाता हूँ, चल ये है मेरा कॉम्प्लेक्स फोर, क्लियर, कॉम्प्लेक्स फोर में लास्ट में किसके पास इलेक्ट्रॉन आया था, कॉपर के पास, क्लियर, और बाहर से मुझे क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, कॉपर ने बोला ये दोनों इलेक्ट्रॉन तू ले ले ऑक्सीजन, तू यू आर द लास्ट एक्सेप्टर ना, तू ले ले इलेक्ट्रॉन मेरे, दोनों इलेक्ट्रॉन ले ले, तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कैन आई से ऑक्सीजन गेट्स रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन गेट्स रिड्यूस्ड, सो ऑक्सीजन विल गेट टू माइनस साइन बिकॉज टू इलेक्ट्रॉन्स, इतना क्लियर है, यहां तक क्लियर है, बता। यस सर। देन यहीं पे मेरे पास H+ भी छोड़ के सब भाग रहे हैं ना, एनएडी अपना H+ फेंक के भागता है, एफिडी अपना H+ फेंक के भागता है, डू यू एग्री, करेक्ट है? यस सर, सुनिए। हाँ तो अभी देख मैं इसको बैलेंसिंग करता हूँ, अब देखो हाफ वाला भी मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, देख हाफ वाला बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये देख ये दोनों मिलके क्या बन गए, H2O बन गए, ठीक है, ये देख क्या मिलके बन गए, H2O बन गए, अब नाउ ट्राई टू बैलेंस रमेश, अब अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूं तो 2H लगेगा, यहां ऐसे करूंगा मैं, करेक्ट है, और इसको मैं 4 बना दूंगा, राइट है, देख, यस सर, या फिर ऑप्शन चेक कर रमेश, ऑप्शन ये भी है क्या मेरे पास, ये चेक कर एक बार, हाफ फोर टू, इधर भी हाफ फोर टू, हाफ मोल लगेगा यहाँ पे टू, समझा, तो ये बैलेंसिंग वाला चक्कर जो उन्होंने डायग्राम में दिया है, यहाँ पे बहुत गड़बड़ होता है बच्चों के साथ, ठीक है, सुन ये क्लियर है, तो सर डायग्राम में लोग क्या लिखना है, ये वो लिखना है कि ये लिखने का है, डायग्राम में जैसा दिया वैसे ही फॉलो करो, ओके सर। हाँ अभी पूछो, किसी और को कुछ डाउट है, सर ये हाफ कैसे आया, मैं बोलता हूँ, वापस बोलता हूँ, ये देख वापस बताता हूँ, ये सब भूल जा, वापस बताता हूँ, ठीक है, अगर तूने सपोज बाहर से तूने एक ऑक्सीजन इनहेल किया था, ठीक है, और तेरे बॉडी में तेरे यहाँ पे H+ घूम रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों अभी ऑक्सीजन कैसा है, इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, करेक्ट है, बिकॉज को दो इलेक्ट्रॉन्स मिले कॉपर से, एक में बैलेंसिंग अपन ओवरऑल नहीं देख रहे, एक बार में दो इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो वो हो जाता है O2 माइनस माइनस, अग्री कर लिए, इतना समझा, प्रश्न ऐसे आगे लेता हूँ, ठीक है, इन दोनों को मिला ले तो तेको एच टू मिलना चाहिए कंफर्म, तो एच टू फॉर्मूला क्या है वो तो मैं जानता हूँ, एच टू फॉर्मूला है ये, अब इतने को बैलेंस करने का ट्राई कर, इतने लोगों को बैलेंस करने का ट्राई कर, ये रिएक्शन को बैलेंस कर, चल कैसे बैलेंस करेगी, यहाँ पे दिख रहा है टू, करेक्ट, सो यहाँ पे भी आना चाहिए टू, तब जाके टू ओ हो गया, अब अपन एच टू चेक कर, एच तो कितना हो गया, चार हो गया ना, तो अपन को यहाँ पे लिखना पड़ेगा चार, राइट है, Yes. समझ में आया, हाँ तो ये तेरा एक्चुअल आंसर होना चाहिए, कहीं पे लिख के ले लीजिए, तो बुक में कहीं पे लिख के ले सर, O2 माइनस माइनस, एक मिनट खाली मुझे एक मिनट दे दे बस, O2 माइनस माइनस 4H+ नीचे बनता है 2H2, अब अगर तू बोलती है नहीं 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 मेरे को एक ही H2 चाहिए, चल तो एक H2 चाहिए मतलब सबको हाफ करना पड़ेगा, करेक्ट है, सबको हाफ 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 करना पड़ेगा, रिएक्टेंट को भी प्रोडक्ट को भी, क्लियर है, हाँ या ना, यस सर, चल तो जैसे बुक में दिया वैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ, बुक में दिया H2O, मेरे को आया 2H2O, नहीं 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 मैं तो बुक के हिसाब से जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मेरा अगर जीद है मुझे बुक के हिसाब से जाना तो मैं क्या करूंगा, यार बुक में दिया H2O मेरे को मिला 2H2, मतलब मेरे को डबल मिल गया, चल सबको हाफ कर देते हैं, चलो सो इसको हाफ किया तो बन गया 1, 4 को हाफ किया तो बन जाएगा क्या, बन जाएगा बता, 2 का हाफ 2, वेरी गुड, यहाँ पे ग्रीन वाला जो ऑक्सीजन दिख रहा है वो 1 मॉलिक्यूल है, करेक्ट है, उसका हाफ होगा तो कितना मॉलिक्यूल बनेगा, समझा, यस, हाँ अभी किसको डाउट था पूछ, किसी और को मैंने बीच में रोका था, सर कॉम्प्लेक्स 2 से और 1 से एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, यू नो यूबिक्विनोन से, यस, और फिर वो साइटोक्रोम बी में जाएगा, कॉम्प्लेक्स 3, करेक्ट, सो कॉम्प्लेक्स सी जो साइटोक्रोम बी से लेकर ऑक्सीजन तक की जर्नी कॉमन रहेगी, समझा, ओके सर, समझा सर, लेकिन उसके पहले एनएडी कैसे एंटर कर रहा है और एफएडी कैसे एंटर कर रहा है, ये दोनों स्टोरी अलग अलग है, क्लियर है, तो एनएडी जो है उसके इलेक्ट्रॉन कहां से एंट्री मारते हैं, एफएमएन कॉम्प्लेक्स 1 से एंट्री मारते हैं,
और जो FeDH2 के इलेक्ट्रॉन्स कहां से एंट्री मारते हैं, कॉम्प्लेक्स 2 से एंट्री मारते हैं। सो 1 2 3 4 क्लियर स्टूडेंट्स? तो सर से दो हाइड्रोजन मारते हैं और FeDH2 से दो हाइड्रोजन मारते हैं, टोटल चार हो गए ना? हाँ, लेकिन लेकिन उसको काउंट मत कर अभी जो टोटल चार हुए उसको काउंट मत कर, क्योंकि ऐसे बहुत सारे, और जिन्होंने यहाँ पे H+ लिखा ना वो उन्होंने कुछ काउंट नहीं किया कि एक NAD आया या 10 आए तो इतना बनेगा, इन्होंने तुझे खाली पिक्चर ही दिखाया कि 4H4। अभी ये 4H4H2H का क्या मतलब है वो भी बताता हूँ, थोड़ा सा होल्ड कर, ठीक है? चलो यहाँ तक समझ में आया सबको, प्लीज बताओ मुझे, कंफर्म करो अभी तक कोई डाउट है क्या? अब तक किसी को कुछ डाउट? जल्दी स्टूडेंट्स, अब तक किसी को कुछ डाउट? सर दिस H+ इज यूज्ड फॉर NADH+। हाँ, दिस H+ इज यूज्ड फॉर सर दिस H+ इज यूज्ड फ्रॉम NADH+H+। सो सर वन मोर H+ विल बी एन FADH2, सो दैट इज यूज्ड फॉर H2O। Absolutely, yes. अभी देखो, पूरा मैंने कहानी किया ही नहीं है, सो अभी आप लोग टेंशन में आ रहे हो खाली ये देख के कि यार NADH2 का H भी है, FADH2 का भी H भी है, ये सारे H वाटर ही बनते हैं क्या? ऐसा नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग आगे का प्रोजेक्शन मत करो, ये भी H, दोनों सब H2O बन रहे हैं क्या, कि सब बाहर जा रहे हैं, बाहर 4H जा रहा है, मेरे को दिख रहा है इमेज के लेफ्ट हैंड साइड 4H 2H, ऐसा मेरे को तीन चीज दिख रहा है, H2 भी बन रहा है, कितने H आ रहे हैं यार? तो ये टेंशन अभी मत लो, आपको मैंने आगे पढ़ाया ही नहीं है ना, तो आपको उसका टेंशन लेकर फायदा नहीं है, जो आप अब तक जो मैंने पढ़ाया उसका पहले खाली मुझे कंफर्मेशन दे दो, फिर मैं आगे भी लेकर चलूंगा, बहुत मजा आएगा। केमी ऑस्मोसिस पाथवे अपन आगे घुस रहे हैं, केमी ऑस्मोसिस पाथवे में एंट्री मार रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म्स दैट यू विल सी इन बायोलॉजी, एंड ऑल्सो आई विल अश्योर यू कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लीस्ट अंडरस्टूड टॉपिक, जो सबसे कम समझ में आता है बच्चों को, तो अब तक वो पूरा नहीं हुआ है, एकदम अमेजिंग थिंग है। अब तक आपको समझ में आया क्या क्या हुआ है? सबको समझ गया? अब तक मैंने खाली आपको इतना ही समझाया है कि NADH2 हो या FADH2 हो, ये लोग के इलेक्ट्रॉन्स आते कहाँ से हैं, एंट्री कहाँ से मारते हैं ETC पाथवे में, और जाते कहाँ से हैं लास्ट में ऑक्सीजन के पास तक, कैसे पहुंचते हैं, किसके थ्रू, इतना ही मैंने आपको बताया है। किसके एच का क्या होगा मैंने ये नहीं बताया है। हाँ, मैंने ये जरूर बताया कि ऑक्सीजन जो हो जाता है माइनस आफ्टर रिसीविंग इलेक्ट्रॉन उसका क्या होता है, वो H2O बन जाता है, ये मैंने बताया है, और मैंने कुछ भी नहीं बताया इसके अलावा। बताओ इतना समझ में आया जो मैंने बातें की? बताओ स्टूडेंट्स। सर यस सर। हाँ पूछो, इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछो। वो आपने जैसे पहले हम लोग को 3 स्टेप्स कराए थे ना, हाँ एक्सप्लेन करो, वैसे अच्छे से समझ रहा है। क्या कराया था मैंने? अभी आपने 3rd फ्लोर तक आपने बोला था ना, साइटोक्रोम बी तक कराया था। करेक्ट है। फिर साइटोक्रोम बी से, हाँ सुन, फिर साइटोक्रोम बी से कहाँ जाएगा? आयरन सल्फर प्रोटीन, वहां से कहाँ जाएगा? आगे चलते चला जाएगा साइटोक्रोम A3 के पास, साइटोक्रोम C1 के पास जाएगा, वहां से जाएगा साइटोक्रोम C जो कि 3rd फ्लोर पे नहीं है, बाहर घूम रहा है यूबीक्विनोन की तरह, ठीक है, साइटोक्रोम C। फिर साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देगा? कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर लेकर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, जहां पे होगा कॉपर, वो इसके इलेक्ट्रॉन्स रिसीव कर लेगा, कॉपर से जाएगा साइटोक्रोम A, देन साइटोक्रोम A3, देन अगेन दूसरा कॉपर है उसके पास जाएगा। ये सब लोग कहाँ घूम रहे हैं? ये सब के सब कॉम्प्लेक्स 4 में घूम रहे हैं, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स 4 से इलेक्ट्रॉन जो कॉपर के पास है चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, वो इज द लास्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्सक्यूज यस देवांशी बोल। सर स्क्रीन दिख नहीं रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है मतलब स्क्रीन पे मैंने जो रखा है पहले ब्लैकआउट हो गया था, विजिबल हुआ। ओके ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट्स, ये देखो एक और मैं आइडिया आई कैन यूज, ठीक है, देयर इज वन मोर आइडिया व्हिच आई कैन यूज। ये देखो मैं मेरे स्क्रीन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, यहाँ पे ये लिख देता हूँ। I think this is my last attempt to make you people understand, and I'm very hopeful कि ये आपको जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है।
ये है मेरा इनर मेम्ब्रेन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप ट्राई करो मुझे आंसर्स देने का, तो जहां आप पटकोगे समझ जाना कि वो आपको बात नहीं समझ में आएगी, ठीक है। चलो yes. so ये रहा मेरा NADH, NADH, ये रहे मेरे NADH plus H plus, NADH plus H plus, ठीक है। ये लोग एंट्री मारेंगे, इसका H plus रह जाएगा, मैं उस पर अभी फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ। तो अब यहाँ पे ये बॉक्स जो मेरा है, ये है मेरा कॉम्प्लेक्स वन। कौन सा बॉक्स है ये मेरा? कॉम्प्लेक्स वन। तो कॉम्प्लेक्स वन में मेरे को सबसे पहले कौन मिलेगा, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, अब मैं खाली डॉट डॉट मारूंगा, ठीक है। सबसे पहले कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है? FMN. FMN. करेक्ट है, वेरी गुड। FMN के बाद इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा? FES. आयरन सल्फर प्रोटीन, शाबाश। यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ये चला जाएगा UQ. वेरी गुड। UQ इलेक्ट्रॉन लेते ही क्या बन जाएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, ये बन जाएगा। आप लोग माइक माइक म्यूट करके ही आंसर्स दो, अगर आपके आंसर्स राइट है तो आपको समझ जाएगा, आंसर रॉन्ग है तो एटलीस्ट आप मेरे आंसर्स सुन पाओगे, ठीक है। तो ये है रिड्यूस्ड UQH2, चलो मैंने इसको ऐसे बनाया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, नेक्स्ट फ्लोर पे अपन चलेंगे, नेक्स्ट फ्लोर इज कॉम्प्लेक्स थ्री। कॉम्प्लेक्स थ्री के पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, देयरफॉर ये वापस बन जाएगा UQ, ठीक है। तो अभी कॉम्प्लेक्स थ्री में कौन है? कॉम्प्लेक्स थ्री में है साइटोक्रोम बी, ठीक है। साइटोक्रोम बी अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ भेज देगा स्टूडेंट्स? साइटोक्रोम बी अपना इलेक्ट्रॉन भेज देगा आगे की तरफ, आगे आगे, याद आ रहा ना, आगे आगे चलते चलते अपन कहाँ घूमने वाले स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है अभी तक ये किस्सा? फिर से मैं ब्लू ही कलर ड्रॉ करूंगा जानबूझ के, कलर कोड फॉलो कर रहा हूँ। देखो आयरन सल्फर प्रोटीन के पास वापस में घूम फिर के चला गया, ये देखो। फिर आयरन सल्फर प्रोटीन किसको दे देगा? साइटोक्रोम सी वन को दे देगा, ठीक है। तो मैं येलो डॉट यूज करता हूँ, चलो अब आई एम फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ कलर्स नाउ। साइटोक्रोम सी वन के पास आ गया, साइटोक्रोम सी वन से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। ये कौन सा फ्लोर था? ये था मेरा थर्ड फ्लोर कॉम्प्लेक्स थ्री, राइट। यहां से बाहर आया तो मैंने किसके पास दे दिया? मैंने दे दिया साइटोक्रोम सी के पास, जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जाएगा नेक्स्ट फ्लोर पे, व्हिच इज कॉम्प्लेक्स फोर। ओके स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स फोर के पास अपन आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स फोर के पास हम आ जाते हैं, ये दो आ जाओ। चलो कॉम्प्लेक्स फोर के पास, कॉम्प्लेक्स फोर के पास कौन रिसीव करेगा? पहले इसको छोटा सा बनाता हूँ कॉपर, ठीक है। कॉपर से आगे किस्सा कहाँ जाएगा? कॉपर से आगे किस्सा चला जाएगा, बताओ मुझे साइटोक्रोम कहाँ जाएगा स्टूडेंट? साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए, करेक्ट है, साइटोक्रोम ए करेक्ट आंसर है। जहां से कहाँ जाएगा? साइटोक्रोम ए थ्री, वेरी गुड। वहां से कहाँ जाएगा? छोटा सा कॉपर बी, कॉपर बी, कॉपर, यस, जस्ट अनदर मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर, देयरफॉर कॉपर बी बोला गया और कुछ नहीं, ठीक है। और ये अपन कौन से बिल्डिंग में है, कौन से कॉम्प्लेक्स में चल रहे हैं? कॉम्प्लेक्स फोर में। यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन। यस, आई एम नॉट बैलेंसिंग एनीथिंग, ठीक है, आई एम जस्ट राइटिंग ब्लाइंडली। सो एच प्लस ये जो है, ये इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद ये क्या बन जाएगा? माइनस माइनस, करेक्ट, माइनस माइनस। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? ये दोनों मिलके बन जाएंगे H2O, वाटर, वाटर, करेक्ट, राइट है। अब हमको याद आया, अरे FADH2 भी तो था अपने स्टोरी में, चलो आ जाते हैं FADH2 के पास, है ना। तो अपना आ गया नेक्स्ट बिल्डिंग, नेक्स्ट बिल्डिंग अपना यहाँ पे है स्टूडेंट्स, ये रही अपनी नेक्स्ट बिल्डिंग। यहाँ पे कौन बैठा है बिल्डिंग के अंदर? बैठा है FAD बेचारा बचा, ये देखो। यहाँ से ऐसे कन्वर्जन आपको लिखना है, सक्सिनेट कन्वर्ट्स टू फ्यूमरेट, FADH2 बचता है, FAD प्लस कन्वर्ट हो जाता है इनटू FADH2 एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ऐसे अंदर जाता है बट कन्वर्ट होके क्या बन जाता है वापस से? FAD ही बन जाएगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ आ गए आगे आयरन सल्फर प्रोटीन के पास, जहां से चले जाते हैं ये लोग, कहाँ चले जाते हैं बताओ? यस 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 सर, ये FAD प्लस वाला पार्ट नहीं समझा। देख FAD प्लस वाला पार्ट कुछ भी नहीं समझना है, इसको ऐसे खाली देख कि जो FAD प्लस है
वो चले जाएगा सक्सेनेट फ्यूमरेट वाले रिएक्शन में एंट्री मारेगा और बन जाएगा FADH2, समझा? वो FADH2 का जो H+ है वो तो मैट्रिक्स में ही रह गया, समझा? और जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे पास ऑन हो जाएगा, तो वापस बचा क्या मेरे पास? सिर्फ FAD बचा वापस, समझ में आया? सर एक NADH एक मिनट में H रुक जा रुक जा रुक जा मेम्ब्रेन में और रुक जा मैं तो एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? एक मिनट रुक जा, ये देख, ये ऐसे लिख देता हूँ मैं, अब आई एम श्योर तुझे समझ में आएगा। FAD+ अंदर गया और बनके क्या आ जाता है? FADH2, ये क्लियर है? इसमें से प्रोटॉन यहाँ पे सपोज रुक गया और इलेक्ट्रॉन चला गया वापस इसके पास आगे, है ना? और ये वापस क्या घूम के बन गया? ये देख, इलेक्ट्रॉन गया वापस इसके पास और ये फिर से घूम गया FAD में, क्लियर है ये? आप समझा? अब समझ में आया? यस सर, बट सर अगले ग्लाइकोलाइसिस या सॉरी ग्लाइकोलाइसिस नहीं क्रेब्स साइकिल में कौन सा, मतलब क्योंकि FAD+ तो मेम्ब्रेन में आ गया ना, तो नेक्स्ट साइकिल में? ओके आई अंडरस्टूड। नहीं, ये मेम्ब्रेन में वैसा तुझे लिख के दिखाया, ऐसा नहीं है मेम्ब्रेन में, इट विल पार्टिसिपेट इन क्रेब्स साइकिल, ठीक है? वी हैव FAD+ इन अबंडेंस इन द मैट्रिक्स, ओके? इट इज नॉट दैट just one FAD plus we have many, clear? This is just to indicate you ki what is the flow of electrons, is this clear? Yes sir. Okay, kanak samjha tujhe? Yes sir. Okay, then next FAS se kahan gaye hum wapas se? FAS se apan chale gaye ubiquinone, जो कि इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद बन जाता है यूबिक्विनोन रिड्यूस्ड फॉर्म, करेक्ट? क्या बन जाता है? यूबिक्विनोन रिड्यूस्ड फॉर्म। वहां से इलेक्ट्रॉन वापस कहां चले जाएंगे? इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे साइटोक्रोम बी के पास और ये वापस से कन्वर्ट हो जाता है यूबिक्विनोन, करेक्ट है? yes. सबको समझ में आया है ये पूरा पिक्चर? यस सर, यस सर। If you want, you can take a screenshot of this. ठीक है, इसका screenshot ले सकते हो आप. And अब क्या करो? अब पहले आपके book में image confirm करो. पूरा image बनाओ फटाफट से. Book में पूरा image बनाओ या new page ले लो. अब आपको समझ में आ गया? ये देखो students, यहाँ ध्यान देना, ठीक है? यहाँ पे space छोड़ देना, यहाँ पे space एक छोड़ देना. यहाँ पे अपन F1 particle बनाने वाले हैं. आज का लेक्चर कब तक है? 3 बजे तक था ना कि 3:30? 3 बजे, ठीक है? यहाँ पे ये F1 पार्टिकल हमको बनाना है, ठीक है? तो यहाँ पे स्पेस छोड़ देना प्लीज, यहाँ पे कुछ ड्रॉ मत करना, ओके सर? आपका ये जो पेज पे आपने बनाया है, इफ यू थिंक इट इज टाइडी देन नो नीड टू ड्रॉ द नेक्स्ट वन, इफ यू थिंक ये इतना क्लियर नहीं है तो आप नेक्स्ट पेज पे फटाफट से वापस से बना लो, जल्दी बनाओ, वेट करो। वंस इट इज डन प्लीज रेज योर हैंड क्विकली मतलब अभी जो एक्चुअल पिक्चर है ना, आपको समझ में नहीं आया कि ये पिक्चर हो क्या रहा है। अभी आपने जो देखा है ना वो पिक्चर, बोलते हैं ना वो एकदम जासूसों वाला पिक्चर, एकदम सस्पेंस है ये पूरा। आपको समझा ही नहीं, आपको लग रहा है ये तो घर घर की कहानी ऐसा कुछ चालू है, बट लेटर ऑन यू विल रियलाइज कि हाउ दिस मूवी विल टर्न ऑन इट्स हेड, ठीक है? आपको समझा भी नहीं कि जो H+ इतने आसानी से ये NADH और FADH2 छोड़ के जा रहे हैं, उस H+ बिचारे के साथ हम क्या क्या करने वाले हैं ये आपको पता ही नहीं। तो ये मे बी नेक्स्ट किस्सा, ये नेक्स्ट लेक्चर में वी विल रियलाइज। It is beautiful concept. Trust me. जब आपको ये समझेगा ना, you will realize कि wow, मतलब शातिर खाली आप नहीं हो, आपका हर सेल और हर सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो माइटोकॉन्ड्रिया भी आपका उतना ही शातिर है जितने आप खुद हो। Okay. माइटोकॉन्ड्रिया कर क्या रहा है पता है? वो हमको पता नहीं चलता। अब अभी रमीज बोल रहा है कि हाँ मेरे को डायग्राम देख के समझ गया कि ये क्या काम कर रहा है F1 पार्टिकल, then you will realize.
ये पूरे किस्से में F1 पार्टिकल कौन है पता है? F1 पार्टिकल इज द वन हु इज एक्सप्लॉइटिंग, वो एकदम मतलबी आदमी है, वो प्रॉपर यूज कर रहा है इस ये सब स्टोरी का, प्रॉपर यूज वही करेगा, सबसे ज्यादा फायदा उसी को होने वाला है। और ये जो H+ है, he is going to suffer like anything. जो H+ को ये लोग छोड़ के गए हैं ना, ये बहुत सफर करने वाला है। ये कैसे सफर करेगा, इसको हम कैसे इसकी इसकी मजबूरी का हम क्या फायदा उठाने वाले हैं, ये सब अपन लेटर ऑन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और वो मजबूरी का जो फायदा हम उठाएंगे तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा, सस्पेंस रहेगा। सॉरी हैपन आर एक्सटेंड कर दो, समझा दो, नेक्स्ट लेक्चर तक सस्पेंस भारी पड़ेगा। नहीं सर अपना शॉर्ट फॉर्म थोड़ा बहुत समझा दो, F1 पार्टिकल क्या करता है। नहीं 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 मैं नहीं समझा शॉर्ट में, देख शॉर्ट में समझाए फायदा नहीं है, फिर से मुझे क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ जाएंगे, बेटर है मैं आराम से नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। ये एक मैंने एक भी थ्रेड यहाँ से ओपन किया तो फिर चालू ये क्यों है, बट मुझे वो नहीं समझा, बट मुझे ये नहीं समझा, तो बेटर है मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये चालू करूंगा, आराम से एंजॉय करेंगे। यस सर ठीक है। और खास बात ये है, खास बात ये है कि यहाँ पे आप समझोगे ये सेम टॉपिक फोटोसिंथेसिस में भी है, विच इज द नेक्स्ट चैप्टर विच वी आर गोइंग टू टेक अप। सो ये सेम कंसेप्ट वहां भी इस्तेमाल होगा। मतलब देखो देखो एक बात तो क्लियर है ना, एटीपी खाली हम नहीं बनाते, प्लांट भी बनाता है, याद आ रहा है आपको? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज व्हाट यू आर लर्निंग राइट नाउ, फोटो फॉस्फोराइलेशन इज व्हाट प्लांट्स डू, करेक्ट है? तो एटीपी जब आप ऐसे बना रहे हो, ये सेम इस्तेमाल प्लांट्स भी करते हैं बेचारे, एस्ट्रस का इस्तेमाल वो लोग भी करते हैं, तो एक कंसेप्ट में सिखाऊंगा आपको वहां भी अप्लाई हो जाएगा। तो इसके ऊपर टाइम गुजारेंगे, डोंट वरी, वी विल स्पेंड सम टाइम ऑन दिस एंड वी विल रियलाइज कि हाउ हाउ अमेजिंग दिस इज, दिस इज मतलब। और आपको मैं इसके बाद नीट के कुछ एमसीक्यूज भी पूछूंगा इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर करके, तो आप काफी घूमोगे उसके बीच में, आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपको मजा आएगा। अच्छा एक और बात, मुझे बहुत लोगों ने मैसेज किया कि नीट मॉड्यूल से सॉल्विंग चालू कर दिया है, तो जो आपको क्लास के मॉड्यूल्स मिले हैं नीट का एमसीक्यूज, ठीक है, वहां से अभी सॉल्विंग नहीं करनी है, ठीक है? जो आपको मॉड्यूल मिले हैं एटलीस्ट मेरे सब्जेक्ट के लिए, एटलीस्ट फॉर माय सब्जेक्ट, एंड वेट फॉर ऑल टीचर्स टू दिस, डोंट ट्राई टू एंटर मॉड्यूल्स बिकॉज इट इज नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स टू बी। एंड सर यू आर नॉट येट रेडी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं मैंने तो मॉड्यूल खोला, टेंशन मत ले रहे, मेरे को सब आया, सर को बोलने दे, मेरे को मेजोरिटी क्वेश्चन आ रहे थे, अपन इजिली कर लेंगे, अच्छे से समझ गया अपने को, तो ऐसी बात नहीं है। आपको रुको, उसका वेट करो। अगर आपको अभी आपने अटेम्प्ट किया, आपको 20 में से 10 राइड गया ना सपोज, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको मैं 20 में से 20 राइड करवाऊंगा, बट रुक जाओ, कुछ तरीके हैं उसको राइड करने के, कुछ तरीके हैं वहां तक पहुंचने के, वो तरीके आप तक आपने चालू नहीं किया है ना, मैंने चालू करवाया है, तो देर विल बी प्रॉपर टाइम वेर विल स्टार्ट विथ मॉड्यूल्स, अभी नहीं, ठीक है? थोड़ा टाइम दो मुझे, लेट मी कंप्लीट 3-4 चैप्टर्स एंड देन लेट मी टीच यू हाउ टू अप्रोच मॉड्यूल्स। दो साल में बायोलॉजी के मॉड्यूल्स मेरे से ज्यादा आप सॉल्व करोगे, ठीक है, और ज्यादा फास्ट सॉल्व करोगे, बट देर आर फ्यू टेक्निक्स, देर आर फ्यू स्टेप्स विच विल हैव टू बी टेकन बिफोर वी मूव ऑन टू मॉड्यूल सॉल्विंग, ठीक है? सो पूजा का भी मैसेज आया मुझे, रमीज का भी मैसेज आया मुझे, अगर आपको सॉल्विंग करना है यू कैन गो थ्रू इट, अगर आपको आंसर्स नहीं आ रहे हैं डू नॉट वरी अबाउट इट, आराम से बैठो, क्योंकि अब तक मैंने नहीं शुरू किया आपके साथ वो, आपको वहां तक जाने के पहले एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है, ये नीट वाले बच्चों के लिए है, नीट वाले मेडिकल एंट्रेंस, बिफोर गोइंग टू दैट यू हैव फ्यू चैलेंजेस विच यू विल हैव टू फुलफिल, ओनली देन यू आर एलिजिबल, यू आर लाइसेंस्ड टू ओपन योर मॉड्यूल, उसके पहले नहीं, ठीक है? सर जब मैंने मॉड्यूल खोला ना बहुत पैनिक अटैक आ गया था, ऑलमोस्ट इतना मतलब क्वेश्चंस थे जो समझे नहीं, आईसीसी के बहुत सारे मतलब क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो अभी नहीं ओपन करना इसको, ठीक है? यू नीड टू सेल इन चैप्टर इन दैट टू राइट सर, एक्सक्यूज मी सर, कुछ भी चैप्टर मत खोलना अक्षय, एक भी चैप्टर भी नहीं करना मॉड्यूल्स। हाँ बोल नेहा, हेलो सर, आई हैव अ डाउट। हाँ प्रियंका, प्रियंका बोल बोल प्रियंका। सर साइटोक्रोम सी वन, जब साइटोक्रोम सी में मतलब एंटर करता है तो वो इनर मेम्ब्रेन में नहीं आएगा ना? नहीं नहीं नहीं, साइटोक्रोम सी वन जो है वो साइटोक्रोम सी पे नहीं एंटर करेगा, साइटोक्रोम सी वन एक पर्सन है, साइटोक्रोम सी दूसरा पर्सन है, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किया, बस
ठीक है? तो सर जब वो ट्रांसपोर्ट करेंगे ना तो वो इनर मेम्ब्रेन में नहीं आएगा ना? लेकिन दोनों इनर मेम्ब्रेन में ही बैठे हैं, खाली ये है कि जो साइटोक्रोम बी से लेकर साइटोक्रोम सी वन तक जितने मेंबर्स हैं इनका एक टीम है, उस टीम का नाम है कॉम्प्लेक्स थ्री, दैट्स इट। सारे के सारे लोग इनर मेम्ब्रेन में ही हैं, ठीक है? यस सर। इनर मेम्ब्रेन के अंदर भी कुछ ग्रुपिंग्स बनी, जैसे मैं बोलूंगा तो अभी रेबेका का, चलो रेबेका का और पलक का, ठीक है, मानसवी का, इन लोग का एक ग्रुप बन गया है, अपना एक कॉमन नीड का बैच है, बट उसमें भी ये तीन चार जन का ग्रुप बन गया है। वैसे तो वो जो ग्रुप है उनको डिफाइन किया गया है, कॉम्प्लेक्स वन, कॉम्प्लेक्स टू, कॉम्प्लेक्स थ्री। अभी तो मैंने आपको एंजाइम के नाम भी नहीं बताए, अभी इसमें भी दो तीन एंजाइम के नाम बाकी, देन आई विल टेल यू टेक्निकली इसको पूरा बोलना कैसे है, ठीक है? बट डोंट वरी, यू डोंट हैव टू टेक अप दिस फॉर वन और वन हाफ मिनट वाला चैलेंज, उसके लिए ये नहीं देना है, ये वैसा नहीं आएगा। बोर्ड्स में जब ये था, 12th स्टैंडर्ड में जब ये चैप्टर था 2 साल पहले तक, तो बोर्ड्स ने कभी भी ये पाथवे नहीं पूछा था। फॉर 10 to 12 years नेवर एवर दिस पाथवे वॉज आस्ट। रीजन इज दिस पाथवे इज टू अंडरस्टैंड द एनर्जेटिक्स, सो एनर्जेटिक्स आपको पूछेंगे, ये पाथवे कभी नहीं पूछेंगे। तो आपके टेस्ट में भी यू कैन एक्सपेक्ट कि नेवर एवर यू विल बी आस्ट टू एक्सप्लेन ईटीसी। ये मैं पूछ सकता हूँ एक मार्क के लिए कि ईटीसी में कॉम्प्लेक्स वन कौन था, कॉम्प्लेक्स टू कौन था, ये मैं पूछ सकता हूँ, बाकी नहीं, ठीक है? सर तो आपका मतलब है सिर्फ कंपोनेंट्स पूछेंगे, प्रोसेस नहीं पूछेंगे? Exactly, correct, correct. And I can also ask you the order. I can also ask you the order, like electron from which transporter goes on to which transporter. समझा? तो ये जो नाम है electron transport chain. So now I hope you have understood ki which is the chain. Who all are forming that chain across which electrons are being transported. समझा? Electron transport chain. FMN, FES. UQ, Saturn B, Saturn C1, C, A, A3, copper, ये सब उसमें आने वाला है, ये सारे चेन के हिस्सा है, सिस्टम है, कंपोनेंट्स है। बट ये लोग करते क्यों है, जब ये इलेक्ट्रॉन आपको, मतलब वो होता है ना जो जादूगर, आप जाते हो ना जादू देखने, जैसे तो हाथ पे ऐसे बॉल घुमाते रहता है, आपको लगता है हाँ बॉल पे ध्यान देते हो और यहाँ से कुछ और हो गया तो वैसे कुछ होने वाला है। Let me not entice you even more, even further. We will meet you in the next lecture and then we will enjoy the remaining. Yes, sir. Okay, students. So homework for you would be draw this ETC pathway and keep drawing your glycolysis and Krebs cycle. But usko aap kar do ek ek bar, theek hai? Dono pathway din mein sirf ek ek bar aapko draw karna hai. And usko repetition karne ka, agar aapka ek minute, ڈیڑھ minute mein aa chuka hai, to every day 1 and 1.5 minute nikalne mein nahi jata, koi issue nahi. So subah utke do ek bar dono pathway bol dene ka, raat ko sone ke pehle prayer ki tarah dono pathway bol ke. अच्छे से एटीपी कंज्यूम करके सो जाने का। ओके, चलो सी यू नेक्स्ट टाइम सर। बोल सर, द ऑक्सीजन मींस इट एक्चुअली गेट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स ना टोटली फ्रॉम बोथ द दिस? करेक्ट, करते 4 इलेक्ट्रॉन्स एट अ टाइम, वन ऑक्सीजन विल गेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। बट सर टोटली मींस लाइक आफ्टरवर्ड्स इट विल गेट 4 ओनली ना? अब देख, वही मैं बोल रहा हूँ रेबेका, अब तू 4 कौन से हिसाब से बोल रही है? 2 आ रहा है FADH2 से, 2 आ रहा है NADH2 से, करेक्ट है? बट ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन्स, बट ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन्स ले भी पाएगा क्या? हैव यू एवर सीन O विद 4 माइनस साइंस? नेवर। O हैज ओनली 2 वैलेंसीज, सो एट अ टाइम ओनली वन ऑक्सीजन एटम और वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वुड एक्सेप्ट जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म H2O लेटर ऑन। तो एक सिर्फ एक एटम की बात मैं कर रहा हूँ, एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, आगे बढ़ जाएगा H2O फॉर्म करने के लिए, फिर नेक्स्ट ऑक्सीजन जो तूने इनहेल किया है वो वहां पे आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, O माइनस माइनस बन के आगे बढ़ जाएगा, समझा? So means it goes part by part ना? Yes. It keeps on happening like a cycle. Sir, and the H+ was of NADH+H ना? Yes, वो NADH+H+ का H है, वो FADH2 का H है, but वही वो सारे H उसी के नहीं है, उसी के कुछ एच हम बाहर भी फेंकने वाले हैं, उसका ही अपन, उसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सो मच सर, बाय बाय। अक्षय मुझे रिकॉर्डिंग भेज देना, ठीक है? वी ट्रांसफर। यस सर, आई विल सेंड यू द ड्राइव। ओके, यस सर, बाय सर, थैंक यू सर, बाय बाय।